तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ 100 डेज इन पाल वर्ल्ड, जहाँ पर मैं इन पोकेमन जैसे देखने वाले इन पाल्स को पकड़ सकता हूँ, उनसे काम करवा सकता हूँ और उनका अपने टीम में जोड़कर दूसरे बड़े लेवल के पाल्स को पकड़ने के लिए उनका फाइट भी करवा सकता हूँ। उसी के साथ हम इस गेम में एक बढ़िया सा बेस भी बना सकते हैं और इन 100 डेज में मेरे कुछ टारगेट्स भी हैं, जैसे कि इन पाल वर्ल्ड्स में 3 बड़े लेवल का लेजेंडरी पाल्स है, पैलेडियस, फ्रॉस्टेलियन और जेट ड्रैगन। उनको पकड़ना इस गेम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, तो मेरा टारगेट है इन तीनों पाल्स को पकड़ना, वो भी 100 डेज से पहले। तो क्या मैं इन तीनों लेजेंडरी पाल्स को पकड़ने के लिए कामयाब हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं डे 1 से। सबसे पहले नींद से उठते ही पोकेमन जैसे दिखने वाले कुछ पाल्स मुझे घूर रहे थे। मैं जैसे ही जागता हूँ ये सारे पाल्स भागने लगते हैं। तब मुझे जमीन में पड़ा हुआ एक आईपैड दिखता है जिसमें लिखा हुआ रहता है द टावर्स और द की द ट्री होल द ट्रूथ। फिर मैं उस आईपैड को लेके आगे की तरफ निकल जाता हूँ विंड स्वेप्ट हिल्स की तरफ। यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, तभी मुझे नीचे एक प्यारा सा पाल दिखता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसको पकड़ने नहीं वाला हूँ। तभी थोड़ा सा ही आगे जाते मुझे एक आईपैड जैसा दिखता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाले जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर ही रहा था तभी मुझे आगे जाके एक सर्वाइवर दिखता है जिसके साथ बात करके मुझे पता लगता है ये वाले जगह पर जितने भी लोग आए थे उन सारे लोगों को इन सारे पाल्स ने खा लिए। तभी मुझे आगे जाके मुर्गी जैसा ये पाल दिखता है, कहीं ये मुझे खाने वाला है, मैं इसको मारने लगता हूँ। और ये कहा, ये तो दो ही मुक्के में मर गया, आगे और एक मुर्गी जैसा पाल जा रहा है। अरे बेटा रुक जा, इसको तो मैं मार के ही रहूँगा, फिलहाल इसको मैं दो मुक्का मारते ही ये भी मर जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो सर्वाइवर था ये मेरे ऊपर वांटेड लगा देता है। फिलहाल मैं इस पाल को भी मार रहा था और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये कहा ये सर्वाइवर तो मुझे गोली चला रहा है और मेरा हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इसने डाउन कर दिया। फिलहाल मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, कहीं ये सारे पाल्स और ये सर्वाइवर मिलके मुझे मार ना दे, मुझे तो अपना जान प्यारी है। फिलहाल मुझे आगे जाती बहुत सारे रेड वेरीज दिखता है, ये सारे वेरीज को खा के मैं अपना हेल्थ ज़्यादा कर सकता हूँ। और जब भी मुझे भूख लगने वाला है इन पाल्स को मारते मारते मैं इन सारे वेरीज को खा के मैं अपना पेट भी फूल कर सकता हूँ। ये तो स्पॉन जैसा कुछ फूल ही गया था। फिलहाल मैंने एक फर्स्ट ट्रेवल को भी अनलॉक कर दिया, इस फर्स्ट ट्रेवल को इस्तेमाल करके मैं आगे जाके ये इस मैप के सारे जगह पे कोने कोने में जा सकता हूँ। तभी मैंने एक वर्क बेंच बिल्ड किया जिसके जरिए मैं आगे जाकर बहुत सारे वेपन्स बिल्ड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक वुडन हैमर टाइप कुछ बिल्ड किया। फिलहाल मैं इसी से इस पेड़ को काटने लगता हूँ और मुझे काफ़ी सारे वुड भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है इस वुड से। फिलहाल मैं इसी हैमर का इस्तेमाल करके इन पाल्स को मारने आ जाता हूँ। तभी मुझे एक यहाँ पर सिप जैसा एक पाल दिखता है और इसको क्या, ये तो दो डंडा मारने से ही मर गया। आगे मुझे एक पत्थर दिखता है, उस पत्थर को भी मैं तोड़ने लगता हूँ, लेकिन उस सिप का एक दोस्त रहता है वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर आगे जाके मुझे एक क्यूट सा और एक पाल दिखता है, इसको भी मैं मारने लगता हूँ, लेकिन इन सारे पाल्स को थोड़ा सा ही मारता हूँ, इन सारे पाल्स मर जाता है। तो मुझे आगे जाके ओर का एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर दिखता है, उस पत्थर को तोड़ते तोड़ते मुझे काफ़ी सारे ओर भी मिल चुके थे। फिर मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से पाल्स फायर को अनलॉक किया जिसके जरिए मैं आगे जाके पाल्स को पकड़ सकता हूँ। स्टोन एक्स को भी अनलॉक किया जिसके जरिए मैं स्टोन एक्स से पेड़ को भी काट सकता हूँ। काफ़ी सारे पाल्स फायर क्राफ्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस पाल को पकड़ने, और सबसे पहले पाल्स को मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। इसका नाम था कैटीवा और ये मेरे पाल टीम में भी आ जाता है। तभी मुझे और एक पाल्स पैर पड़ा हुआ मिलता है, थोड़ा सा आगे जाते मुझे एक ग्रीन जैसा कुछ यहाँ पर एलिमेंट मिलता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, शायद से ये मुझे आगे जाके अचीवमेंट पॉइंट में कुछ तो काम आने वाला है। फिलहाल ये वाला आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते मुझे और एक पाल मिल जाता है जिसका नाम था चिक्कीपी, 48%, 74% और ये 100%। इस पाल को भी मैंने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। फिलहाल छोटे छोटे पाल्स को पकड़ने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा था। और ये देखो ये पाल के ऊपर मैंने एक पाल्स फायर फेंक के मारा, लेकिन ये पाल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ही हो गया, फिर मैंने इसको डंडे से मार के मार ही दिया। फिलहाल और एक पाल मुझे यहाँ पर मिला हुआ था जो शायद से सोने का नाटक कर रहा था, पता नहीं अब सोने का टाइम भी हो सकता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। फिलहाल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे सोऊंगा। तभी मैं सोचता हूँ इस लैम्बॉल को पकड़ के सोने जाऊंगा, लेकिन ये क्या, मेरे पास तो पाल्स फायर ही ख़त्म हो गए और ये लैम्बॉल घूमते घूमते मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। फिलहाल
रात के टाइम हो चुका है, कभी मुझे डर लग रहा है कहीं ये सारे पास मुझे खाना ले। तभी मुझे याद आया कि मुझे एक बेड भी बिल्ड करना है। फिलहाल मैं सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट से जितने भी जरूरत की चीज़ें हैं सारी चीज़ों को अनलॉक कर लेता हूँ, रिपेयर वेंच बेड्स एंड सारे कुछ। लेकिन ये क्या, अब तो मेरे आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मैं इस बेड को खुलने में बिल्ड ही नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे पहले एक घर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस बेड को बिल्ड कर पाऊंगा। और फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसीलिए मुझे आइडिया है क्यों ना एक कैंप फायर बिल्ड किया जाए। ये मेरा फर्स्ट नाइट है इस पार्ट वर्ल्ड में, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ये सारे पास मिलके मुझे रात को खाना ले। इसीलिए मैं कैंप फायर के साइड में खड़ा रहा काफ़ी देर तक। तभी मैंने देखा इस कैंप फायर में मैं खाना भी पका सकता हूँ, तो लगे हाथ मैंने कुछ ऑमलेट्स भी पका लिए कल सुबह के लिए। फिलहाल सुबह होते ही मैं सबसे पहले तो घर बनाने के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए होते हैं उन सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तभी पत्थर तोड़ते तोड़ते मेरा तो बैग का फुल ही हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। तभी मुझसे बिल्कुल भी दौरा नहीं जा रहा था, तो मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा था, मेरे चेस्ट की तरफ। जितने भी चीज़ें क्रेडिट किए थे उन सारी चीज़ों को मैं चेस्ट में जमा कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने एक घर भी बिल्ड कर लिया और उसके साथ साथ मैंने एक बेड भी बिल्ड कर लिया। फिर मैंने एक पाल बॉक्स को बिल्ड किया। जितने भी पाल्स मैं आगे जाके इस गेम में पकड़ने वाला हूँ उन सारे पाल्स को मैं इस पाल बॉक्स में लाके छोड़ सकता हूँ और अपने बेस में काम करवा सकता हूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ दो ही पाल्स को पकड़ा था, मुझे और भी पाल्स को पकड़ना है, इसीलिए काफ़ी सारा पाल्स पैर कर्प करके मैं जल्दी से आ जाता हूँ बाकी सारे पाल्स को पकड़ने के लिए। और ये क्या, ये तो मेरे ऊपर अटैक करने ही वाला था। जैसे मैंने उसके ऊपर पास पर फेंका वो तो पकड़ में आ गया, उसके साथ साथ उसका और एक दोस्त था जो मेरे पकड़ में आ गया। आगे जाके और भी काफ़ी सारे पाल्स मुझे दिख रहे हैं, ये सारे लैम्बॉल्स हैं, इनको बाद में पकड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 7 पाल्स पैर है, तो इसीलिए मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने बेस को बिल्ड करने। अभी फिलहाल मेरे पास जितने भी पाल्स थे उन सारे पाल्स के लिए मैंने बेड भी बना लिया। और ये कौन सा पाल है जिसके पूंछ से अलग ही प्रकार का एक आग निकल रहा है, ये और ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके ऊपर मैं पाल्स पैर फेंकने वाला था लेकिन ये देखो मेरा एक पाल स्पेयर विस चला गया, लेकिन ये पाल तो भाग ही गया। तभी मुझे साइड में और एक टैब जैसा दिखता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं दूसरा और एक पाल पकड़ने आ जाता हूँ। इसका नाम था पेंगुइन, ये देखने में कुछ पेंगुइन जैसा लगता था। और ये देखो इसके आगे मैंने अपना एक चिकन वाला पाल छोड़ दिया जो चिकन वाला पाल इसके साथ फाइट लेने वाला है। और ये क्या, एक ही फाइट में ये तो पेंगुइन को मार ही दिया। तभी मुझे बगल में एक बहुत बड़ा सा एक डंप एग दिखता है, इसको मैंने कलेक्ट कर लेता हूँ। शायद से ये सारे एग्स बाद में मेरे काम में आने वाला है, जब मैं इन एग से कुछ पाल्स निकालने वाला हूँ तब बढ़िया बढ़िया सा पाल्स भी निकलने वाला है। ओ भाई, और ये क्या हुआ इस पाल के साथ, ये पाल तो शायद से मरा पड़ा है यहाँ पर, इसको मैं पकड़ने वाला था लेकिन ये तो मर ही गया। तभी मुझे और एक पाल दिखता है और ये तो भागते ही रहता है तब से। और ये कौन आ गया मेरे आगे, इस पाल को मैं पकड़ने वाला था लेकिन ये आदमी आ चुका है जिस वजह से मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, वरना तो ये बंदा मुझे मार ही देने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा तो मैं तुरंत खाना वाना भी खा लेता हूँ। और तब भी मुझे और एक पाल दिखता है मेरे आगे, फिलहाल इसको मैं पकड़ने लगता हूँ और ये मेरे ऊपर एकदम गजब से आग छोड़ने लगता है। और तभी वो सारे बंदे मुझे मार देते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्यों मार रहे थे, इतना तो मुझे समझ आ गया था इस आइलैंड में मुझे सर्वाइव करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बिल्ड करना पड़ेगा। इस पाल को पकड़ने के लिए मैंने काफ़ी सारा पाल्स पैर बिल्ड किया, उसके बाद मैंने एक बो भी बिल्ड किया। ये सब करते करते फिर काफ़ी रात हो जाता है, तो मैं चला जाता हूँ सोने। सुबह उठ के मैं जल्दी से जल्दी आ जाता हूँ इन पाल्स को फिर से पकड़ने। तभी मुझे वो पाल्स फिर से आगे दिखता है और ये तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आग फेंक के मार रहा है। अगर मैंने ये पाल को पकड़ लिया तो मेरा पाल टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कल से मैं इसी पाल को पकड़ने में लगा हुआ हूँ। ओ भाई, इसने तो काफ़ी तगड़ा मुझे डैमेज दिया। इसके ऊपर एक पाल्स पैर फेंक के देखते हैं, 57%, शायद से मैं इस बार इसे कैच कर लूँगा। ये पाल तो मेरे ऊपर आग जला दिया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और मेरा हेल्थ भी डाउन हो रहा था, तो मैं इसीलिए उस जगह से भाग गया और उस पाल को भी पकड़ लिया। तभी मुझे आगे जाके उड़ने वाला एक पाल दिखता है और हिरन जैसा एक पाल भी दिखता है। इन सारे पाल्स को देखते देखते मैं आ जाता हूँ एक गुफे के सामने। फिर मैं इस गुफे के अंदर एंटर करता हूँ, तभी मेरे आगे फिर से वही लोग दिखते हैं जो मुझे डंडे से मारने लगता है। तभी मैं तुरंत निकल जाता हूँ यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा डरावना जगह था। बाद में जब मैं बहुत बड़े बड़े पाल्स को पकड़ लूँगा तब इस गुफे के अंदर फिर से जाने वाला हूँ। फिर देखते देखते मैं और एक पाल को भी पकड़ लिया, ये देखने में छोटा सा एलिफेंट टाइप ऑफ था लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। आगे जाके फिर मुझे और एक जगह दिखता है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग उसी प्रकार के जो गन पकड़ के खड़े हुए थे और मुझे इसके अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और ये सारे लोग मिलकर उन पाल्स को मार रहे थे। तभी मुझे एक सीप जैसा पाल दिखता है और इस पाल को जैसे मैं मारता हूँ दूर से,
ये पालतू तो मेरे ऊपर अटैक करने लग जाता है, तभी मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं जंप करके बचने की कोशिश किया, तभी मैंने इसके ऊपर एक पाल स्क्वायर फेंक के मारा, लेकिन ये पाल स्क्वायर इसके ऊपर कुछ काम में नहीं आने वाला है मुझे ऐसा लगा। फिर दोबारा से पाल स्क्वायर फेंकने की कोशिश किया, लेकिन ये पाल तो यार मुझे मार ही देता अभी मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने अपने पाल्स को इसके आगे छोड़ दिया, देखते हैं आप क्या होता है, मेरा छोटा सा पाल क्या इस बड़े पाल को मार पाएगा। तब मेरा छोटा सा पाल और ये बड़ा सा पाल मिलके एक दोनों में फाइट ले रहे थे, लेकिन ये बड़ा सा पाल तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ था, मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया इसने, लगभग मैं मरने ही वाला था। तभी मैं इसके ऊपर पाल स्क्वायर फेंक के मारता हूँ, लेकिन मेरे सारे प्यार प्यार वेस्ट जाते हैं और देखते देखते ये पाल तो मेरे आगे आ जाते हैं और मुझे एक मुक्के से मार ही देता है। लास्ट टाइम उस पाल के साथ फाइट लेते लेते मेरे पास एरो खत्म हो गया था, इसीलिए मैं घर में आके सबसे पहले तो काफी सारे एरो बिल्ड किया। इस टाइम मेरे पास 30 एरो है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ जाता हूँ पाल्स को पकड़ने और देखते देखते मैं और एक पाल को भी पकड़ लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पर बड़े बड़े पिक जैसे कुछ पाल्स हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तभी मुझे आगे जाके एक स्पेयर किट दिखता है और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैं इसको पकड़ने लग जाता हूँ। ये तो मेरे ऊपर कुछ अटैक ही नहीं कर रहा था, लेकिन भाई जैसे ये मेरे ऊपर अटैक किया था तभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि आज मैं काफ़ी सारे पाल्स पकड़ पा रहा हूँ। और ये कौन सा पाल है, ये गोट जैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन इसका नेम है कैप्रिटी, एक फीमेल पाल है लग रहा है। फिलहाल मैं इसके ऊपर काफ़ी तगड़ा फायर कर देता हूँ, लेकिन ये पाल तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा अपना पावर फेंक के मारता है, एक बार पीछे जाता है और फिर दोबारा से ये मेरे ऊपर अटैक करता है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये मेरा हेल्थ डाउन कर देता है, तभी मैं इसके आगे मेरा एक लैम्बॉल छोड़ देता हूँ जो उसके आगे बहुत ही छोटा सा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लैम्बॉल पकड़ ही लेगा उसको। फिर मैंने तुरंत ही एक पास पर फेंक के मारा 61%, आई थिंक ये पाल मेरे हाथ में आ जाएगा और दिखते दिखते ये मेरे हाथ में आ जाता है। अब मैं इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता हूँ क्योंकि यहाँ का पेड़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, रेड टाइप ऑफ पेड़। तभी मुझे एक फर्स्ट लेवल मिलता है, मैं इसको जल्दी जल्दी अनलॉक कर देता हूँ। तभी मुझे एक कैसल के अंदर कुछ खजाना मिलता है जिसके अंदर से गोल्ड कॉइन मिलता है, फिर मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पल अकेला अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे एरो फेंक के मारता हूँ, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं इसको डंडे से ही मार रहा था, ये तो चलने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन अचानक से ये चलने लगा। तभी मैं इसके ऊपर पल्स पर फेंकने वाला था, लेकिन ये तुरंत ही भाग गया। तो मैं इसको पीछे पीछे जैसे ही भाग के जाता हूँ, तभी मुझे गोट जैसा फिर से वही पाल दिखता है और ये पाल भी मेरे ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिलहाल मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था और देखते देखते रात भी हो गया था और ये रसर वाला पाल मेरे पीछे पड़ गया था और इसने मुझे लगभग मार ही दिया था। तभी मैं इसको पकड़ ही लेता हूँ। फिलहाल मेरे आगे और एक बार फिर से वही बड़ा सा पाल आ जाता है और रात के टाइम हो चुका था, काफ़ी कोल्ड भी हो गया था, मेरा हेल्थ बहुत ही जल्दी जल्दी डाउन हो रहा था और देखते देखते मैं यहाँ पर मर ही जाता हूँ। फिर मैं रिस्पॉन होकर आ जाता हूँ एक नए से आइलैंड पर और मेरे हाथ में जो लैम्प है इसको पकड़ करके मैं रखूँगा तो मुझे रात के टाइम में कोल्ड नहीं लगने वाला है। देखते देखते सुबह भी हो जाता है, तभी मुझे और एक एलिफेंट जैसा एक पाल दिखता है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, तो इसको भी मैंने देखते देखते कैच कर लिया। दो तीन बार मरने के बाद मुझे तो इतना पता चल गया था कि इस आइलैंड में कैसे सर्वाइव करके रहना है। फिलहाल मेरे आगे एक बंदर जैसा और एक पाल दिखता है और ये तो काफ़ी मज़ेदार था, ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा बच के रहना चाह रहा था इससे। तभी मैं इसके ऊपर एक पाल स्क्वायर फेंक के मारा और ये पाल स्क्वायर को तो लात मार के ही भगा दिया। तभी दूसरा पाल स्क्वायर फेंक के मारा, आई थिंक इस बार ये पकड़ में आ जाएगा। 99% और ये 100% हो चुका है। सबसे पहला ये पाल को मैंने पकड़ा, उसके बाद और एक पाल मुझे देखा सेम टाइप ऑफ जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, तो मैं इसके ऊपर भी एरो फेंक के मारने लगता हूँ और जितना ज़्यादा एरो फेंक के मारता हूँ लगता है ये पाल उतना ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों ये मुस्कुरा रहा था उसी तरीके से। फिलहाल मैं इसके ऊपर और एक बार पाल स्क्वायर फेंकने की कोशिश किया, लेकिन पाल स्क्वायर के साथ ये भाग ही जा रहा है, मतलब जैसे ही पाल स्क्वायर फेंक के मार रहा हूँ ये अपना जगह ही बदल ले रहा है। अब ये पाल काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, तो दोबारा से मैंने इसके ऊपर पाल स्क्वायर फेंक के मारा और मेरे हाथ में ये फिर से आ गया। तभी मैं ये वाले जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, तभी आगे गोट जैसा और एक पाल मुझे दिखता है, तो इस बार तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि लास्ट टाइम इसी पाल ने मुझे मारा था, तो इसको मैं तुरंत ही अटैक करने लग जाता हूँ इसको ऊपर। और इस बार मेरे पास एरो भी ख़त्म हो गया, लगता है दोबारा से ये पाल मुझे मार देगा। चलिए इसके ऊपर आग जला के देखते हैं, आई थिंक ये आग से ही मरने वाला है, तो मैं इसके ऊपर आग से ही मैं इसको साथ फाइट करने लगता हूँ जो मेरे
हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ये डाउन कर देता है मेरे ऊपर अटैक करते करते। तभी मुझे आइडिया आता है क्यों ना मैं इसके ऊपर पास पार फेंक के मारूँ, लेकिन इस पास पार तो इसके आगे कुछ काम में नहीं आया। दोबारा से पास पार फेंक के मारा, आई थिंक ये मेरे हाथ में आ जाएगा, नहीं ये तो छूट ही गया। अरे भाई इसने तो मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। चलिए यहाँ से भागते हैं, तो तुरंत मैं यहाँ से भाग के जल्दी जल्दी आ जाता हूँ और एक नए से आइलैंड में। और यहाँ पर जैसी रात हो जाता है फिर से लग जाता है मुझे कोल्ड। रात के टाइम में इस आग को पकड़ के रखना ज़रूरी होता है। लेकिन तभी मेरे आगे तीन पाल दिखता है, उनमें से एक पाल था जो उड़ने वाला पाल था। शायद से मैं इस पाल को पकड़ लूँगा तो मैं इस पाल के साथ साथ उड़ भी सकता हूँ आसमान में, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक करने लग जाता हूँ। तभी फ़िलहाल ये पाल भी मेरे ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसके बगल में ही दो दो बड़े बड़े पाल था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर डर के इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। अगर वो बड़े पाल जाग गए तो मुझे तो ख़त्म ही कर देगा। तभी मैं अपने पाल को इसके आगे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने जो सोचा था वही हुआ। ये दो बड़े पाल मिल के उस उड़ने वाले पाल के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी मैं आराम से उसके ऊपर पास पर जैसे ही फेंकने लगता हूँ, लेकिन मेरा कुछ काम ही नहीं बनता है। वो तीनों पाल आपस में फाइट करने लगता है और इस पाल का नेम है नाइट विंग, जो उड़ने वाला पाल है। इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने डाउन कर दिया था, तो मैं इसको जैसे पकड़ने जाता हूँ लेकिन मैंने देखा वो नाइट विंग को मार दिया इन लोगों ने। फ़िलहाल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया इन सारे पाल्स के ऊपर, क्योंकि मैं इस नाइट विंग को पकड़ना चाह रहा था लेकिन कुछ काम में नहीं बना। फिर वो सारे पाल्स मिल के भागने लगे, तो मेरे आगे लेवल 2 का एक लैम्बॉल दिखता है जिसको मैं आग से जला देता हूँ और मेरे ऊपर ये अटैक करने लग जाता है। इन सारे पाल्स के साथ फाइट करते करते कब रात से सुबह हो गया मुझे पता भी नहीं चला। फ्लीट एक्सप्लोर करते करते मैं आगे एक बहुत ही बड़ा सा पाल दिखता हूँ, इसका नाम था मोसांडा लेवल 31 का। तभी और एक पाल मुझे दिखता है और ये पाल तो थोड़ा सा बड़ा था इन सारे पाल से, इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं इसके साथ तुरंत ही फाइट करने लग जाता हूँ और मैं इसके आगे मेरा छोटा सा पाल छोड़ दिया। मैंने देखने लगा कि ये छोटा सा पाल ये क्या ये बड़े से पाल को मार पाएगा, लेकिन ये बड़े पाल के पास बहुत ही तगड़ा वाला कुछ पावर था जिससे ये मेरा अटैक करने का जो क्षमता था वो स्लो कर दे रहा था। फिलहाल मैं उसके आगे मैं अपने पाल को छोड़ देता हूँ और उसने तो मेरे पाल के हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। फिर मैं तो यार डरने लगा कहीं ये पाल मेरे पाल को मार ना दे, तो इसीलिए मैं इसको डंडे से भी मारने लगा लेकिन कुछ काम में नहीं बना। फिर मैं इसके ऊपर पास पैर भी फेंकने लगा, कुछ काम में नहीं बन रहा था। फिर मैं दोबारा से मैं अपने पाल को छोड़ दिया और थोड़ा सा वेट किया, मेरा हेल्थ थोड़ा सा जैसे ज़्यादा हो गया तब तक मैं देखने लगा इन लोगों का अटैक कैसे ये लोग अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा पाल तो यार मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डंडे से मारने लगा। और जैसे मैं इसको अटैक करने लग जा रहा था तभी मेरा जो पाल था वो उसके ऊपर भी अटैक कर रहा था। ऐसे देखते देखते उस पाल का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। तभी मैंने उसके ऊपर एक पास पैर फेंक के मारा और उसको देखते देखते कैच भी कर लिया। इसका नाम था डायनोसॉम और ये काफ़ी बड़ा लेवल का पाल था। और तभी मेरे आगे और एक बड़े लेवल का हिडन जैसा पाल दिखता है और इसका हेल्थ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन था, तो मैं इसके ऊपर तुरंत ही अटैक करने लग जाता हूँ। जिसका हेल्थ जितना डाउन होगा उसको पकड़ने में उतना ही ज़्यादा आसानी होने वाला है, तो तुरंत ही मैं इसके आगे मेरा छोटा सा पाल छोड़ देता हूँ। मेरा छोटा सा पाल इसको काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लग जाता है और इसको भी मैं लगभग पकड़ने वाला हूँ 77% 89% और ये 100%। देखते देखते मैं इस पाल को भी पकड़ लेता हूँ और ये पाल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था मुझे देख के ऐसा लगा। तभी मुझे आगे जाके काफ़ी सारे फॉक्स जैसे कुछ पाल दिखे, एक साथ में तीन पाल, तो मैं सोचा क्यों ना इनको भी पकड़ा जाए। तो तुरंत ही मैं इनको पर अटैक करने लगता हूँ और डॉच करने भी लगता हूँ, लेकिन ये का इनका एक ही अटैक में इसने तो मेरा हेल्थ आधे से भी कम कर दिया और दूसरे अटैक में इसने मुझे मार ही दिया। ओ भाई ये तो काफ़ी ख़तरनाक पाल्स है, इनको तो पकड़ना ही पड़ेगा। फिर मैं रिस्पॉन होकर दोबारा से एक नया आइलैंड में आ जाता हूँ। तभी मुझे उड़ने वाला एक पाल दिखता है, इसको मैं इस बार तो कैसे ना कैसे पकड़ के ही रहूँगा। ओहो इनका अटैक काफ़ी बड़ा अटैक है, इसको पकड़ना मेरे लिए तो नामुमकिन हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार ही ना दे। लास्ट टाइम उस दो बड़े पाल ने इस पाल को मार दिया था जिसका नाम था नाइट विंग। इस बार मेरा छोटा सा पाल क्या ये बड़े से नाइट विंग के साथ फाइट कर पाएगा, यही चीज़ देखने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ। और ये क्या ये नाइट विंग तो मेरे ही ऊपर अटैक करने लग जाता है और मुझे मार ही देता है। फिर दोबारा से मैं आ जाता हूँ मैं अपने बेस पर।
मैंने अपने घर को थोड़ा सा बड़े से बना दिया, फिर मैंने यहाँ पर कुछ बेरी प्लांटेशन बिल्ड किया आगे जाके जहाँ से मुझे खाना मिलने वाला है, फिर मैंने एक बिल्ड किया ऊल प्लांटेशन, यहाँ से मुझे ऊल्स मिलने वाला है और काफ़ी सारे पास भी मिलने वाला है। ये सब करते करते रात हो गया था तो मैं चले गए सोने। अगले दिन सुबह उठ के मैंने देखा मेरे पाल्स बेस के ऊपर काफ़ी सारे पाल्स रेड करने आ गए, और मैंने कल जो बड़े से पाल्स को पकड़ा था वो सारे बड़े से पाल के ऊपर अटैक करने लगे। तभी मैंने देखा मेरा जो पाल था वो बहुत ही आसानी से उन पाल्स को मार दिया एकदम आराम से। ये देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। फिर सारे पाल्स को भूख लग गए थे तो मैंने एक बिल्ड किया फीड बॉक्स जहाँ से सारे पाल्स खाना खा सकते हैं, और ये देख के तो पाल सारे खुश होने लगे। फिर मैंने बिल्ड किया एक स्टोन पीट जहाँ से मुझे आगे जाके जब भी स्टोन चाहिए होगा यहाँ से मुझे मिल जाएगा, और ये देखो सारे पाल्स मिलके ये स्टोन पीट को बिल्ड करने लग गए। अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी पाल्स है ये सारे पाल्स मिलके सब काम करने वाला है। फिर मैंने बिल्ड किया एक पाल एनहांस पॉइंट जहाँ पर मैं अपने पाल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर बिल्ड किया एक लॉगिंग साइट जहाँ से मुझे अनलिमिटेड वुड्स मिलने वाला है। फिर मैं बिल्ड किया एक क्रशर जहाँ से मुझे अनलिमिटेड पैलेडियम स्टोन्स मिलने वाला है। इस पैलेडियम स्टोन्स से मैं आगे जाके अपने पाल्स पेयर को बिल्ड कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने बेस को लेवल 7 तक अपग्रेड कर दिया। ये सब करते करते रात हो गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने देखा सारे पाल्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे बेस में 6 पाल्स एक साथ में काम कर रहे हैं। कुछ पाल्स चीज़ें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कुछ पाल्स यहाँ पर क्राफ्टिंग करने में लगे हुए हैं। फिर मैंने बिल्ड किया एक प्रिमिटिव फोर्नेंस, आगे जाके यहाँ से मुझे इनगोड मिलने वाला है जो पाल्स पर बिल्ड करने में मुझे काम में आएगा। और मैंने फिर बिल्ड किया यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग वाटर, यहाँ पर सारे पाल्स नहाने वाले हैं। आगे मैंने बिल्ड किया है काफ़ी सारे बेरी प्लांटेशंस। ये सब देखते देखते मैंने देखा मैं अपने बेस को अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर मैंने लेवल 8 तक अपने बेस को अपग्रेड कर दिया। अभी फ़िलहाल हमारे बेस के अंदर 8 पाल्स एक साथ में काम कर सकता है, तो मैं सारे पाल्स को एक साथ में काम में लगा देता हूँ। मैं देखने लगता हूँ कौन सा पाल कैसे काम करता है। तभी और भी पाल मुझे चाहिए था तो मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ पाल्स को पकड़ने, और इस बार मैं आ जाता हूँ उन्हीं लोगों के आगे जिन लोगों ने मुझे लास्ट टाइम में मारा था सबसे पहले। तो इस बार मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े पाल्स थे तो मेरे सारे पाल्स मिलके इन सारे लोगों को तो आसानी से छक्के छोड़ रहे थे। तो फिलहाल इनके ऊपर मैं अटैक करने जैसे ही जा रहा था तो ये लोग भी मेरे पाल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन मेरे पाल्स के आगे इन लोगों का तो कुछ नामो निशान दिख नहीं रहा था। तभी यहाँ पर और एक लोग बसता है जिसका नाम था सिंडिकेट गनर। ये तो शायद से पकड़ में नहीं आएगा, मैं सोच रहा था इसके ऊपर पाल्स पर फेंकने के लिए, और ये तो मेरे पाल ने इसको आराम से मार ही दिया। तभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते देखा इन लोगों ने देख छोटे से पाल को पकड़ के रखा था पिंजरे के अंदर। तब मैंने इस पाल को तुरंत ही खोलने लगता हूँ। जैसे ही खोलने लगता हूँ ये पाल तो गायब ही हो जाता है। मुझे लगता है ये पाल शायद से मेरी टीम में आ गया। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ खाना वाना कुछ है क्या, लेकिन घूमते घूमते मैं आ जाता हूँ फॉरगेटन आइलैंड चर्च पे, और यहाँ पर आते ही मुझे मिल जाते काफ़ी सारा सोने का कॉइन और मुझे फ्री में मिल जाते कुछ एरोस। फिर मुझे आगे यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रेवल दिखता है, इसको मैं तुरंत अनलॉक कर देता हूँ और जल्दी से जल्दी मैं आ जाता हूँ अपने बेस के अंदर इस फर्स्ट ट्रेवल के माध्यम से। फिर मैं घर में आके देखा सारे पाल किस तरीके से काम कर रहे, काफ़ी सारे लकड़ी इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा था। तो ये सब देखते देखते रात हो गया था तो मैं चले गया था सोने, क्योंकि कल सुबह उठ के मुझे बहुत सारे पाल्स को भी पकड़ना है। और सुबह उठ के मैं आ जाता हूँ फिर से और एक सिंडिकेट थक के बेस के अंदर, और यहाँ पर तो ये लोग काफ़ी बड़े पाल को एक मार रहे थे। तो मेरा जो पाल था ये काफ़ी आसानी से इसके ऊपर पानी से अटैक कर रहा था। मेरा जो पाल है एक सिंडिकेट थक को तो आराम से मार ही दिया, दूसरे को भी मार ही दिया। फिलहाल मेरा छोटा सा पाल ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, तो बीच में और एक पाल था तो मैं उसके ऊपर पाल सर फेंक के मारा, और उस पाल को मैंने अब तक पकड़ा नहीं था तो उस पाल को शायद इस बार मैं पकड़ लूँगा। और इसका नाम था सिलेरी, इसको मैं देखते देखते पकड़ लिया। तभी मुझे यहाँ पर एक पैरोट जैसा एक पाल दिखता है और ये तो मेरे तरफ घूर रहा था। तभी मैं इसको अनलॉक करने लग जाता हूँ, शायद से ये मेरे पाल लेग में आ जाएगा। इसका नाम था टोको टोको, भाई काफ़ी अजीब सा नेम है। तभी मुझे आइडिया आया क्यों ना सिर्फ बड़े बड़े पाल्स को ही पकड़ा जाए। तो मैं आ जाता हूँ बम्बू ग्रोव्स में, और यहाँ पर आते ही फिर से वही सिंडिकेट थग्स मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पर छुपने लगता हूँ। तब मैं सोचता हूँ क्यों छुपना है, तभी मैं अपने बहुत ही शक्तिशाली जो पाल था उसको मैं इनके आगे छोड़ देता हूँ। ये दिखने में छोटा है लेकिन ये जो बिजली छोड़ता है ना तो सारे पाल्स का एकदम से हवा टाइट हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाती मुझे दो दो बड़े बड़े
पास दिखता है और ये पास तो काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे। इनके बदन से आग निकल रहे थे। ओ भाई, कहीं ये सारे मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, तो तुरंत ही मैं अपने पाल को इनके आगे छोड़ देता हूँ, स्पेयर किट को। तभी उनमें से एक पाल मेरे ऊपर अटैक करने लगता है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा साइड से इन लोगों को देखा जाए कैसे ये लोग मेरे पाल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तभी मैं भी अटैक करने लग जाता हूँ इनके ऊपर साइड से। मुझे लग रहा था ये सारे पाल्स मिलके मेरे पाल्स को तो मार ही देंगे, लगभग उसका आधा डैमेज कर दिया था उन लोगों ने। तभी मैंने पाल्स पैर को फेंक के मारा, लेकिन इसने तो मेरा हेल्थ काफ़ी लो कर दिया। तभी मैं दोबारा से पाल्स पैर फेंकने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ काम में नहीं बनता है। मैं दोबारा पाल्स पैर फेंकने वाला था, लेकिन मेरे पाल ने इन दोनों पाल का छक्के छोड़ दिया। ओ भाई, मानना पड़ेगा मेरे पास जो पाल है स्पेयर किट, ये तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी मुझे आगे जाके यूनिवोल्ट नाम का दो दो घोड़े जैसा बड़े बड़े पाल दिखता है। तब मैं दोबारा से आग छोड़ने वाला रूबी है उसको मैं छोड़ देता हूँ इन लोगों के आगे। और ये यूनिवोल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बिजली छोड़ रहा था मेरे ऊपर, लेकिन मेरा जो पाल था वो उनके ऊपर आग छोड़ रहा था। तो बिजली के साथ आग अलग सा ही कॉम्बिनेशन बन रहा था यहाँ पर। तो मैं भी इनके ऊपर अटैक करने लग जाता हूँ। देखते देखते आई थिंक मैं एक पाल को यहाँ पर कैच कर लूँगा, और दूसरे पाल को तो मेरे रूबी वाले पाल ने तो आराम से मार ही दिया। ओ भाई, आज तो काफ़ी ज़्यादा पाल्स मैं पकड़ रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता हूँ। तभी तुरंत मुझे आगे फिर से वो ही बदन पे आग वाले पाल दिखता है, तो मैं इनके ऊपर पिकैक्स से ही अटैक करने लग जाता हूँ। और ये क्या, मेरे पास जो पाल था रूबी, इसने तो आराम से इसका छक्के छोड़ दिया भाई। फिर मैं आ जाता हूँ बेस में, क्योंकि मुझे आगे जाकर और भी बड़े बड़े पाल्स के साथ फाइट करना है। इसीलिए मैंने तुरंत ही बिल्ड कर दिया एक प्रिमिटिव वर्क बेंच। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ, जैसे कि एक आर्मर, एरो। फिर मैंने सबसे पहले तो एक आर्मर बिल्ड किया, ताकि आगे जाके जब भी मैं पाल्स के साथ फाइट लेने वाला हूँ तो यह आर्मर मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने वाला है, और इससे मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। तब भी मैंने अपने बेस को भी अपग्रेड कर दिया लेवल 9 तक। अब मेरे पास बेस के अंदर काफ़ी सारे पाल्स एक साथ में 10 पाल्स काम कर सकता है। फिर मैंने एक पाल्स पेयर वर्क बेंच को भी बिल्ड किया, यहाँ पर मैं अपने पाल्स पेयर को भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे पाल्स पेयर को क्राफ्ट किया कल सुबह के लिए, और चला गया सोने। और सुबह उठते मैं आ जाता हूँ ये वाले जगह पर, रायने सिंडिकेट टावर में। यहाँ पर रहता है एक बड़े से बॉस। इस बॉस के साथ फाइट लेने से पहले मैं अपने सारे पाल्स का भूख मिटा देता हूँ, उनको खाना खिला देता हूँ, फिर आ जाता हूँ इन बॉस के साथ फाइट करने के लिए। सबसे पहले इंटर करती मुझे यहाँ पर दिखता है एक बहुत ही प्यारा सा एक लड़की, और उसके हाथ में रहता है एक पाल्स प्यार। और जैसे ये पाल्स प्यार को छोड़ता है, वहाँ से निकलता है एक बहुत ही बड़ा सा एक बॉस टाइप ऑफ पाल। मुझे इस पाल को हराना है, और उसको जैसे ही मैं हराऊँगा मुझे मिलने वाला है कुछ अचीवमेंट्स। और इस पाल को मैंने अगर पकड़ लिया तो मेरा जो पाल टीम होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओ तेरी, तो यार इसने तो काफ़ी बड़ा सा बिजली का झटका मारा, और इसके आगे मेरा जो स्पेयर किट है वो एकदम छोटा सा दिख रहा था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था मेरे पाल्स की तरफ देखते हुए, और ये मेरे पाल्स को भी काफ़ी जल्दी जल्दी अटैक भी कर रहा था, जिससे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कहीं ये मेरे पाल्स को मार ना दे। और इसका नाम था ग्रीस बोल्ट। भाई साहब, ये तो काफ़ी बड़ा सा पाल है, और इसका हेल्थ है 30,000। अभी तक मैंने इसका हेल्थ सिर्फ 3,000 ही कम कर पाया। तो दूर से ही, काफ़ी दूर से मैं इसके ऊपर एरो फेंक के मार रहा था। मैं काफ़ी सारा एरो भी क्राफ्ट करके लाया था, ताकि इसके साथ फाइट करते करते मेरा एरो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ये का, ये तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजली का झटका मार रहा था, जिससे मेरा तो एकदम से मूवमेंट काफ़ी बार अटक जा रहा है। भाई ये देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरने लग गया, कहीं ये मुझे मार ना दे। और इस बार इसने मेरे ऊपर एम भी लॉक कर दिया था, और ये मुझे एक पल के लिए फ्रीज भी कर दिया। और एक बार में ही, एक झटके में ही ये मेरा हेल्थ आधे से ज़्यादा कम कर दिया। और ये क्या, इसने तो मेरे पाल को एक पल में मार ही देता। तभी मैं उसको पाल को चेंज कर दिया दूसरे पाल से, और इस बार मैंने उसके आगे एक बड़ा सा पाल को छोड़ा। आई थिंक ये पाल उसको मार देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसके साथ फाइट नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उसके साथ फाइट लूँगा वो मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दे रहा है। अगर वो मुझे मार देता है तो ये वाला फाइट मैं हार जाऊँगा।
इसी वजह से मैं अभी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दूर दूर भाग रहा हूँ, थोड़ा कवर में रहने की कोशिश कर रहा हूँ और दूर से ही देख रहा हूँ उन लोगों का फाइट। तभी मैं दोबारा से स्पायर किट को छोड़ा, जैसे स्पायर किट का हेल्थ ज़्यादा हो गया और स्पायर किट को तो आराम से ये एकदम से ही उसका हेल्थ डाउन कर दे रहा है और स्पायर किट उसके ऊपर आसानी से अटैक भी कर रहा है, लेकिन उसका अटैक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। देखते देखते हम लोगों ने अब तक उसका हेल्थ आधा भी नहीं कर पाया था और उसने तो मेरा हेल्थ काफ़ी लो कर दिया। अब लगता है वो मुझे मार ही देगा और स्पेयर किट का भी हेल्थ काफ़ी लो दिखा रहा है। अभी भी 7 मिनट बचा हुआ है, इतने देर तक फाइट करने के लिए मुझे तो अभी काफ़ी सारा हेल्थ चाहिए। तो तुरंत मैं भागने लगता हूँ कवर के लिए, लेकिन ये भी मेरे पीछे पीछे भागने लगता है और मुझे मार ही देता है। सबसे पहला बॉस फाइट था ये तो मैं हार जाता हूँ। तभी मैं आ जाता हूँ बेस में आते ही देखता हूँ काफ़ी सारे पाल्स मेरे पास बेस में अटैक करने लगे। तभी मेरे जितने भी पास थे वो सारे पाल्स उनके ऊपर भी अटैक करने लगे और मुझे लगा था कि मैं इनमें से कुछ एनिमी पाल्स को पकड़ ही लूँगा, लेकिन वो सारे पाल्स को तो मेरे पाल ने मार ही दिया। फिर मैंने यहाँ पर पाल्स बेट भी कुछ क्राफ्ट किया क्योंकि कुछ पाल्स बेट यहाँ पर कम पड़ रहे थे मेरे सारे पाल्स के लिए। मेरे पाल्स को सोने के लिए काफ़ी बेट चाहिए, अगर बेट ही नहीं दूंगा तो वो सारे पाल्स बीमार पड़ जाएंगे। ये देखो ये तो यहीं पे सो गया क्योंकि बेट नहीं था इसीलिए। अब मैं काफ़ी रात हो चुका था, इसको देख रहा था क्राफ्ट करते हुए। फिर मैं चला जाता हूँ सोने। कल सुबह उठ के मुझे फिर से काफ़ी बड़े बड़े पाल्स को पकड़ना है। सुबह उठते ही मैं यहाँ पर एक कूल बॉक्स को बिल्ड करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने खाने को फ्रीज करके रख सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास जितने भी खाने का सामान था यहाँ पर रख देता हूँ। ये सारे चीज़ें मुझे बाद में चाहिए, अगर फ्रीज में नहीं रखूँगा तो शायद से ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगा आई थिंक। फिर मैं अपने पाल बेस को अपग्रेड कर देता हूँ लेवल 10 तक। अब मैं दो दो पाल बेस बिल्ड कर सकता हूँ, तभी मुझे आगे जाके और एक बहुत ही बड़ा सा लेवल 19 का पाल दिखता है और उसके आगे मैं अपना छोटा सा पाल छोड़ देता हूँ दोबारा से। और ये क्या, इसने तो मेरे एक ही अटैक से इसने मेरा भाई पूरा शील्ड ही ख़त्म कर दिया। इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा और दूर से ही अटैक करना पड़ेगा। अपने पाल को देते हैं इसके साथ फाइट करने। और इस पर किट ने तो इसका हालत काफ़ी ख़राब कर दिया था, इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया, तो मैं इसको पकड़ने लग जाता हूँ पाल स्पेयर फेंक के। मेरे पास अभी फ़िलहाल 16 पाल स्पेयर है और अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर एक पाल स्पेयर फेंक के मारा था लेकिन कुछ काम में नहीं बना। और ये क्या, जैसे ही मैं दूसरा पाल स्पेयर फेंक के मारता हूँ आई थिंक ये आ जाएगा 51%, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता है। सो सैड, ये पाल को मेरे स्पेयर किट ने आराम से मार दिया। तो मैंने इस बार डायनोसॉर को इसके आगे छोड़ा, देखते हैं दोबारा से इसको ही पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक इस बार ये पकड़ में आ जाए। इस बार इसका लेवल थोड़ा सा कम है, 17 लेवल का है, तो मैं इसके पूछ के साइड में जा रहा था तो ये टेल से ही मुझे अटैक कर रहा था, तो मैं इसके पीछे से अटैक कर रहा था, सामने से मेरा पाल उसको अटैक कर रहा था। जितना भी मैं इसके ऊपर पाल स्पेयर फेंक के मार रहा था कुछ काम नहीं बन रहा था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक पाल स्पेयर काम में आया और ये पकड़ में आ गया। फिलहाल और एक पाल हम लोगों के बीच में आ रहा था, वो पाल उड़ते उड़ते मेरे पाल के ऊपर अटैक कर रहा था। जैसे ही मैं उसके ऊपर पाल स्पेयर फेंक के कैच करने वाला था, डायनासोर ने तो आराम से मार दिया उसको। अब मैं आ गया था मेरे पास जो दूसरे बड़े पाल थे उन सारे पाल्स का पावर देखने के लिए। अभी फिलहाल मैं ये डियर वाले पाल को छोड़ दिया, ये पाल तो काफी आसानी से उनके साथ अटैक कर रहा है और उनके ऊपर पत्थर वत्थर भी फेंक के मार रहा है, बहुत ही आराम से उनके साथ फाइट ले रहा है। और ये क्या, ये सारे सिंडिकेट थग मेरे ऊपर तो आग फेंक के मारा और मुझे आग से जला भी दिया। और ये क्या हुआ, मैं कैसे मर गया, और नो ये तो गलत ही हुआ। फिर मैं आ गया ये वाले फॉक्स के साथ फाइट लेने, लास्ट टाइम ये फॉक्स मुझे मार ही दिया था तो इस बार काफ़ी आसानी से इसको पकड़ भी लिया। पाल को पकड़ते पकड़ते काफ़ी रात भी हो गया था, तभी मुझे मेरे आगे दिखता है बहुत ही बड़ा सा मेमोरेस्ट। ये पाल एक अल्फा पाल है और इसको पकड़ना मामूली सी बात नहीं है। अभी फिलहाल ये पाल सो रहा था तो मैं अभी इसके ऊपर कर देता हूँ अटैक, ऐसे अभी इसका पावर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसके आगे मेरा जो पाल था एक ही झटके में मर गया, ओ भाई। और इसने तो एक ही झटके में मेरा जो शील्ड था वो भी तोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके आगे मेरा रूबी को छोड़ता हूँ, आई थिंक रूबी उसको जला के मार दे। तो रूबी तो एक अटैक किया उसको लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और रूबी को भी शायद से ये एक ही अटैक में मार देगा। और वो देखो कैसे वो विंड स्पिन उसके ऊपर छोड़ रहा है और रूबी का भी हालत उसने टाइट कर दिया। मैं ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि आगे से मैं उसके साथ अटैक करूँगा तो वो मुझे मार देगा, तो इसीलिए मैं ऊपर से इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ।
और ये क्या, उसने तो मेरे दो दो पाल को मार दिया। पाल स्पेयर भी खत्म हो गए इस पाल को पकड़ने के लिए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इस बड़े से अल्फा पाल को पकड़ने के लिए मामूली से पाल स्पेयर काफ़ी नहीं है। इसको पकड़ने के लिए मेगा स्पेयर चाहिए, टेरा स्पेयर चाहिए, जो मैं अगली बार क्राफ्ट करके लाऊंगा अपने बेस से। फिर मैं फर्स्ट ट्रेवल का इस्तेमाल करके आ गया अपने बेस पे। बेस पे आते ही काफ़ी सारा मेगा स्पेयर मैंने क्राफ्ट किया। उसके बाद ये डियर का मैंने राइड अनलॉक किया। इसके ऊपर चढ़ के मैं अब कहीं पर भी जा सकता हूँ, मुझे अभी दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आ गया पाल को पकड़ने। अब मेरे आगे आ चुका था एक बहुत ही बड़ा सा यूनिवोल्ट, इसके साथ मैं फाइट स्टार्ट कर देता हूँ। ये यूनिवोल्ट तो काफ़ी शक्तिशाली था, ये हमारे ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से अटैक दे रहा था। तो मैं इसको पालस्पायर से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक भी पालस्पायर मेरा काम में नहीं आता है। आई थिंक ये कैच हो जाएगा 69-70, लेकिन ये छूट गया। ऐसे करते करते मेरा जो पाल था इसने तो यूनिवोल्ट को एकदम से मार ही दिया। फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ दूसरी तरफ और भी पाल्स को पकड़ने के लिए। तभी आगे जाते जाते मुझे दो दो बार्ड जैसा पाल दिखता है। इनको पकड़ने के मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था, इसको मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया था। तो मैं इसको ऊपर पास पर फेंक के मारता हूँ, आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा 44%, 72%, लेकिन नहीं यार, ये आराम से पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये क्या, इसको तो लगभग मैं पकड़ने वाला हूँ, आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा। फाइनली एक को तो मैंने जैसा तैसे पकड़ ही लिया। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ही आगे आते मुझे दिखता है एक बहुत ही बड़ा सा नाइटविंग जैसा एक और एक पाल, इसको भी पकड़ना है। इस पाल को मैं पकड़ूंगा तो उड़ के भी मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। अरे यार, मेरे से पहले तो मेरे पाल ने यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर दिया, अब तो इसके साथ अटैक लेना ही पड़ेगा। मेरे पास मेगा स्पेयर बचा हुआ है 11, तो मेरे पाल ने तो इसको बहुत ही आराम से बहुत ही लो हेल्थ कर दिया। और ये क्या, जैसे मैंने इसके ऊपर एक मेगा स्पेयर फेंक के मारा एक ही बार में, इसको तो मैंने बहुत ही आराम से पकड़ लिया। थोड़ा सा आगे जाते गाइस मुझे और एक आदमी दिखता है। ये आदमी तो काफ़ी बड़ा आदमी था, इसने एक बहुत ही बढ़िया सा मशीन गन पकड़ा हुआ था। इसके आगे मैंने तो सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा पाल छोड़ा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था इसका पावर कैसा था। उसके साइड में ही और भी काफ़ी सारे पाल्स थे और इसने तो बहुत ही आसानी से मेरे पाल्स को अटैक करने लगा, लेकिन मैं पीछे से जैसे इसको ऊपर डंडे से अटैक करने लगा, ये भी मुझे अटैक करने लगा। ओ भाई, ये तो गोली चला रहा है लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके ऊपर मैंने पाल्स पर फेंक के मारा, कुछ काम ही नहीं दिया, और इसने तो एक झटके में ही मेरे पाल को ख़त्म ही कर दिया। अब यहाँ से लगता है भागना पड़ेगा, तो ऊपर से ही मैं कूद जाता हूँ नीचे। मेरे पास एक ग्लाइडर था, इसी के जरिए मैं नीचे आराम से पहुँच जाता हूँ। ऐसे करते करते गाइस रात हो जाता है। रात के टाइम में एक मुझे बंदर जैसा और एक पाल दिखता है, इसको भी पकड़ने का मन करता है। फिर मैं इसको पीछे से अटैक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, मेरा भी पाल इसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इसका जो अटैक है काफ़ी शक्तिशाली है, ये हमारे ऊपर पॉइजन छोड़ रहा है। उस पॉइजन से मेरे पाल का काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लो हो गया है। वो दोबारा से मेरे पाल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, और एक बार अगर वो अटैक करेगा तो मेरा पाल तो मर ही जाता। आई थिंक फाइनली मैं इसको भी कैच कर लिया। फिर मैं सुबह जैसे ही सो के उठा, सबसे पहले तो देखा कुछ पाल्स मेरे बेस के ऊपर अटैक करने आ गए थे। जितने मैं उनके ऊपर अटैक करता, मेरे जितने भी पाल्स थे वो सारे पाल्स मिलके इन सारे सिंडिकेट थक के ऊपर आराम से मार के उन सारे लोगों को ख़त्म कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जो बेस है इन बेस के चारों तरफ मैं जल्द से जल्दी एक घेरा लगा देता हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने बेस के चारों तरफ पीछे के साइड में मैंने एक दीवार बिल्ड कर दिया। अब पीछे से कोई रेड नहीं करने वाला है, लेकिन ये क्या, अब तो आगे से सारे सिंडिकेट थग्स यहाँ पर रेड कर रहे थे, लेकिन ये लोग हार के चले गए। अब गाइस मुझे याद आया कि पिछली बार इस बॉस के साथ मैं फाइट करने आया था, जिस बार मैं हार गया था। अब मैं काफ़ी बड़े बड़े पाल्स अपने साथ लाया हूँ, और इस बार तो सोच के आया हूँ कि इसको मैं मार के ही जाऊँगा। अब मेरे पास एक क्रॉसबो भी है, इस बार मैं एक क्रॉसबो भी बिल्ड करके लेके आ गया इसको मारने। इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं तो किसी तरह डॉच करके बच के जा रहा हूँ। और इस बार 6 मिनट बचा हुआ है, और मैं और मेरे पास मिलके इसका हील तो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है। इस बार ये हमारे कब्जे में आने ही वाला है। मैं इसको पकड़ने वाला था, लेकिन मेरे पाल ने इसको मार ही दिया। फाइनली सबसे पहला बॉस को मारने के बाद हम लोग आ चुके थे एक बहुत ही अजीब सी जगह में, सबसे ऊंचाई में। यहाँ से तो पूरे नीचे को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर नीचे आती ही मैं यहाँ पर आ जाती स्मॉल सेटलमेंट टाउन में। यहाँ पर आती मैंने देखा काफ़ी सारे आदमी थे जो लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सेल कर रहे थे और बाई कर रहे थे। यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रेवल भी था, यहाँ इसको मैंने अनलॉक कर लिया। जब भी मुझे यहाँ पर आना होगा इस फर्स्ट ट्रेवल को इस्तेमाल करके अगली बार आ पाऊँगा।
फिर मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे, फिर मैं आ जाता हूँ लेक सेंटर आइलैंड पे। इस आइलैंड पे काफी बड़े बड़े पाल्स मिलते हैं जिसको मैंने अभी तक पकड़ा नहीं था। लास्ट टाइम मैंने इस वाले पाल को पकड़ा था जिसका नाम था आर्सॉक्स। मुझे देखना था ये पाल का जो शक्ति है वो किस तरीके से काम में आता है, क्या ये बड़े बड़े पाल को पकड़ने में मुझे हेल्प कर सकते है कि नहीं कर सकता है। तभी मैं जैसे थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ मुझे तितली जैसे कुछ पाल्स दिखते हैं जिनको कुछ लोग मार रहे थे। फिर मैं वहां से निकल के आगे आ जाता हूँ। 25 लेवल का एक अलग ही पाल था जो मुझे मारने लगता है। फिर मैं घूमते घूमते दोबारा से आ जाता हूँ इसी पाल को पकड़ने के लिए। अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो मेरा पाल टीम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि इस पाल के पास था पॉइजन का पावर। इसको तो मैं इस बार पकड़ने वाला हूँ। और इसके आगे मैंने अपना सबसे बड़ी पाल ब्रॉन्ज चेरी को छोड़ा है और ये दिखने में थोड़ा सा इंसान जैसा भी लगता है। मैंने अपने पाल को वापस बुला लिया, कहीं वो इस पाल को मार ना दे इसी वजह से। फाइनली मैं इसको कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत आ जाता हूँ अपने बेस पे। बेस पे आते ही मैं देखता हूँ रात के टाइम में कुछ बहुत सारे आदमी मेरे बेस को ऊपर अटैक कर रहे थे। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे गीगा स्पेयर क्राफ्ट किया। वो सारे गीगा स्पेयर आगे जाके मुझे बड़े बड़े पास को पकड़ने में काम में आएगा। फिर मैं आगे एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ और जैसे ही मैं ये वाला आइलैंड पे आता हूँ यहाँ पर देखता हूँ बहुत ही बड़ा सा मोसांडा। इसका लेवल था 28 और ये तो मुझे भाई लगभग मार ही देगा ऐसा मुझे लग रहा था। लास्ट टाइम मैंने एक मोसांडा को देखा था, उसका लेवल था लगभग 37 के करीब, लेकिन ये मोसांडा उससे थोड़ा सा छोटा है। आई थिंक मैं इसको पकड़ सकता हूँ। और इसके आगे मैंने अपने 25 लेवल का ब्रॉन्ज चेरी को छोड़ दिया है। आई थिंक ये आसानी से उसको मार ही देगा। ओ भाई इसका तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इसने डाउन कर ही दिया है, कहिए उसको मार ना दे, इसीलिए मैं उसको बुला लेता हूँ और इसके ऊपर एक मेगा स्पर फेंक के देखते हैं। आई थिंक ये आ जाएगा। ओ भाई साहब सबसे पहला मोसंडे को मैंने यहाँ पर पकड़ लिया है। फिर आगे मुझे एक बहुत ही बड़ा सा स्काल दिखता है। इस जगह का नाम था वर्डन ब्रुक। ओ भाई आगे तो काफ़ी बड़ा सा एक पाल दिख रहा है, इसका नाम है जोरमुन टाइट। आई थिंक इसको मैं अभी पकड़ नहीं सकता, अगर मैं इससे फाइट लूँगा ना तो शायद से ये मुझे मार ही देगा, तो इसको तो अभी अवॉइड करते हैं। अभी फ़िलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ दूसरे पास को साइड में पकड़ने के लिए। ये पाल थोड़ा सा बंदर जैसा मुझे लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी पकड़ लिया जाए, लेकिन मेरा जो पाल था आर्सॉक्स ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर अटैक दे रहा था। आई थिंक ये आ जाएगा और फाइनली मैं इसको पकड़ ही लेता हूँ। उसके बाद मेरे सामने आ जाता है एक बहुत ही बड़ी सी पहाड़। इस पहाड़ को मैं बहुत ही मुश्किल से चढ़ता हूँ। चढ़ने के बाद मेरे आगे आ जाते एक बर्फीली आइलैंड। इस आइलैंड में जो भी पाल्स थे वो काफ़ी अनोखे थे, इनके पास जो पावर्स थे वो भी काफ़ी अनोखे थे। ये सारे पाल्स मेरे वैन वार्म के साथ फाइट ले रहा था तो मैं सोचा क्यों ना इसको पकड़ा जाए। तो जैसे मैंने उसके ऊपर एक मेगा स्पर फेंक के मारा तो एक पाल को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन आगे जाके और भी अनोखे टाइप की दो पाल मुझे दिखे। फिर मैं उनके साथ भी फाइट लेने लगा और ये देखो इनके पास जो पावर है वो भाई ये तो एकदम से हिरन जैसा लग रहा है और ये मुझे बर्फ़ फेंक के भी मार रहा है जिससे मैं लगभग फ्रीज हो जा रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैंने उसके ऊपर एक मेगा स्पर फेंक के मारा लेकिन काम भी नहीं दिया। उसके बाद एक गीगा स्पायर फेंक के मारा। आई थिंक ये गीगा स्पायर से मैं इसको कैच कर लूँगा। 69% 99% और ये 100% सबसे पहला ये पाल्स को मैंने आके यहाँ पर पकड़ लिया। फिर यहाँ पर एक फर्स्ट लेवल भी मुझे मिला जिसको मैंने अनलॉक कर दिया। उसके बाद थोड़ा से आगे जाते मुझे एक बॉस फाइट का जगह मिला। यहाँ पर मैं शायद से यहाँ का जो बॉस है उसके साथ फाइट ले सकता हूँ। फिर ये सब देखते देखते रात हो गया। आगे का नज़ारा काफ़ी अलग ही टाइप का था और मुझे जाना था आगे वाले पहाड़ की तरफ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर और एक फर्स्ट लेवल था इसको भी अनलॉक कर दिया। अनलॉक करते मुझे यहाँ पर कुछ चट्टान जैसे जगह मिले। आई थिंक ये काफ़ी पुराना एक मंदिर जैसा मुझे लग रहा है। इसको भी मैंने काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करने लगा। एक्सप्लोर करते करते थोड़ा सा आगे जाते यहाँ पर मुझे कुछ स्विमिंग पूल टाइप दिखा, यहाँ पर राउंड टाइप ऑफ कुछ चीज़ें दिखा। ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते करते मैं आ जाता हूँ बेस की तरफ। बेस में आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक इनक्यूबेटर को बिल्ड किया। अब मैं इसके मदद से बहुत ही आसानी से जितने भी एग्स मुझे मिले थे उन सारे एग्स से एक एक पाल्स को मैं निकाल सकता हूँ। देखते हैं इससे कौन सा पाल्स निकलता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ मेरे आइलैंड के चारों तरफ घूमने। घूमते घूमते मैं देखता हूँ एक बहुत ही बड़ा सा 35 लेवल का मैमोरिस्ट। इसके साथ मैं सोचता हूँ क्यों ना फाइट लिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ मेरे पास जो सबसे बड़ा उसके लेवल का मोसांडा था उसको। मेरा मोसांडा लगभग उससे 10 लेवल का छोटा था, लेकिन साइज़ में मतलब लगभग सेम ही था, तो इसीलिए मैंने मोसांडा को सबसे पहले छोड़ा। लेकिन मोसांडा को वो काफ़ी आसानी से डैमेज दे रहा था, तो मैं काफ़ी दूर से उसको ऊपर अटैक ले रहा था और अटैक करते करते मेरा मोसांडा तो लगभग मरने वाला था।
तो मैंने फिर से छोड़ दिया मैंने वैनयाम को। मैमोर उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डैमेज दे रहा है। ओ भाई काफ़ी दूर से वैनयाम उसको मार रहा है और मैं भी काफ़ी दूर से ही उसको अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके नज़दीक जाऊँगा तो उसके पावर से मैं मर जाऊँगा, इसीलिए मैं काफ़ी दूर से उसके अटैक कर रहा हूँ। अटैक करते करते उसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब उसको मेगा स्पेयर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उसके ऊपर एक गीगा स्पेयर छोड़ के देखा, लेकिन मैं इसको तो पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। इसका हेल्थ काफ़ी लो हो गया है, अब इसको पकड़ना पड़ेगा। ओ भाई साहब आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा, 12% नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे मेगा स्पेयर मैं इसको ऊपर खर्च कर दिया लेकिन तब भी ये पकड़ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ही बचा हुआ है। मैंने अपने पाल को बुला दिया, क्योंकि मेरा पाल अगर इसको मार देगा तो ये मेरे टीम में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने अपने पाल को बुला लिया। ओ भाई इसका अटैक देखा, किस तरीके से ये ज़मीन से अटैक कर रहा है, और इसका जो विंड वाला जो ये अटैक है, अगर मैं इसके बीच में जाऊंगा तो ये लगभग मुझे मार ही देगा। और फाइनली मैंने इसको पकड़ ही लिया। इस मेमोरिस्ट को पकड़ते पकड़ते काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, तो मैं आ गया था सोने, और सुबह उठ के मैं दोबारा से आ जाता हूँ इसी आइलैंड पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था ये वाला गुफा, इसके अंदर मुझे जाना था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इसके अंदर गया था तो वो सारे सिंडिकेट वाले बंदे मुझे मार के भगा दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े पास थे। आई थिंक ये लोग अभी मुझे मार के भगा नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो मैं इसको तुरंत ही मार दूंगा। तो मैं थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, आगे जाते ही मुझे ये गुफा का एक बॉस दिखता है, आई थिंक इसी के साथ मुझे फाइट लेना है। ये था एक पेंगुइन, और इसके आगे मैंने अभी अभी पकड़ा था जिस मेमोरिस्ट को, उसको छोड़ देता हूँ, और इसके जितने भी बच्चे पेंगुइन थे वो सारे तो भागने लगते हैं, लेकिन मैं इसको भाग के जाने नहीं देता हूँ, तुरंत इनके ऊपर अटैक कर देता हूँ और ये रुक जाता है। और मेरा जो मेमोरिस्ट था ना, ये इसके आगे इतना बड़ा था उसको तो दिख ही नहीं रहा था। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने लगता हूँ, मेरा भी जो मेमोरिस्ट था वो भी इसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसका जो फुल लेंथ था वो 1000 था, और एक ही अटैक में 400 में हो जाता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर नॉर्मल सा एक स्पेयर फेंक के मारता हूँ, आई थिंक ये इसी से पकड़ में आ जाएगा। नहीं यार इससे तो पकड़ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मुझे एक मेगा स्पेयर फेंक के मारना पड़ेगा, तभी शायद से ये पकड़ में आ सकता है, क्योंकि ये लेवल 12 का है। कहीं मुझे डर लग रहा था कहीं ये मेरा मेमोरीज इसको मार ना दे, तो मैं बार बार इसके ऊपर स्पेयर फेंक के मार रहा था। इसके तुरंत बाद ये मेरे ऊपर ही अटैक करने लग जाता है, तो मैं अपने मेमोरीज को अंदर बुला लेता हूँ। और ये क्या, तीसरी बार मैंने जैसे इसके ऊपर क्रॉसबो का फायर किया तो तुरंत ही ये मर ही गया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद इसके छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे, उन दोनों बच्चे को मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, आगे जाके ये सारे बच्चे बड़े होके मेरे पाल टीम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करके आ जाता हूँ एक बहुत ही अनोखे आइलैंड में। यहाँ का जो वेदर था काफ़ी अलग टाइप का वेदर था, और यहाँ पर हॉट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। आगे जाके मुझे एक यहाँ पर क्रोकोडाइल जैसा एक पाल दिखा, और ये क्या, इसके आगे मैंने अपना सबसे बड़ा मेमोरिस्ट को छोड़ा, और इसका लेवल था 36, इसको मुझे पकड़ना था। और ये क्या, ओ भाई इसने तो एक ही झटके में मेरे मेमोरिस्ट को लगभग ख़त्म ही कर दिया, इसको मैं कैसे पकड़ूंगा। जैसे ही ये मेरे मेमोरिस्ट को मारने ही वाला था, मैं अपने मेमोरिस्ट को अंदर बुला लेता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर अटैक करने लगता हूँ। अब गाइस इसको पकड़ना तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो मैं ऊपर से इसके ऊपर अटैक करने लग जाता हूँ, और यहाँ का जो वेदर था काफ़ी ज़्यादा हॉट वेदर था, और इसने मुझे लगभग डैमेज कर ही दिया था, इसने मेरा आर्मर भी लगभग ख़त्म कर ही दिया था, वो नीचे से ही ऊपर को अटैक कर रहा था मेरे ऊपर। कभी मैं इधर से उसको ऊपर क्रॉसबो से मार रहा था, कभी मैं इधर से उसको ऊपर क्रॉसबो मार रहा था, ऐसे करते करते इसका जो हेल्थ था काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, और ये भी मेरे ऊपर नीचे से ही अटैक कर रहा था। अब गैस लगभग इसका हेल्थ काफ़ी लो हो चुका है, इसके ऊपर एक मेगा स्पेयर फेंक के देखता है, आई थिंक ये पकड़ में आ जाए। 10%, 39%, आ जा, ओ भाई 100%, एक ही बार में तो ये पकड़ में आ गया। अब धीरे धीरे मेरा जो पार्टी में वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, इसीलिए मुझे अभी और भी बड़े बड़े पास को हंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ ये वाला आइलैंड पर। और ये क्या, यहाँ पर आती ही तो यार मेरा हेल्थ काफ़ी जल्दी जल्दी घटने लगता है, जैसे मैं यहाँ पर ज़मीन में दौड़ने लगता हूँ मेरा हेल्थ लगभग ख़त्म ही होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से भागा जाए, तो तुरंत भाग के मैं आ जाता हूँ ये वाला आइलैंड पर। और यहाँ पे आते ही मुझे दिखता है एक बहुत ही बड़ा सा बॉस, इसके साथ मैं तुरंत फाइट करने लग जाता हूँ। ये एक 23 लेवल का फेल बेट था, इसके पास बैट वाले जितने भी पावर था वो सारे पावर था आई थिंक, और ये हमारे ऊपर पॉइजन भी छोड़ रहा था। तो मैंने अभी अभी जो पाल को पकड़ा था बहुत ही चालाक इससे रेप्टायर हो, इसको मैं इसके आगे छोड़ देता हूँ, जिसका लेवल था 29।
काफी आसानी से 29 लेवल का रेप्टायरो इसके ऊपर अटैक दे रहा था, पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था। काफ़ी मज़ेदार लग रहा था मुझे ये फाइट, और फेलवेट तो मेरे पीछे पीछे ही भाग रहा था। मैं दूर से इसके ऊपर क्रॉसबो फेंक के मारने की कोशिश करता हूँ, तभी ये हमारे ऊपर पॉइजन फेंक के मारता है, लेकिन मेरे पास जो पाल था ना वो काफ़ी दूर से इसके ऊपर आग फेंक के मार रहा था, जिस वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। ऐसे करते करते इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो होने का लगा, तब मुझे लगा कि इसको पकड़ना चाहिए। मैं तुरंत इसके ऊपर गीगा स्क्वायर फेंक के मारता हूँ और मेरे पाल को अंदर बुला लेता हूँ, लेकिन नहीं, ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है। अब लगता है मुझे अकेले ही इसके साथ फाइट लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ही हेल्थ इसका बचा हुआ है और ये मेरे ऊपर पॉइजन फेंक के मार रहा है। मैंने गीगा स्क्वायर फेंक के मारा, आई थिंक इस बार ये पकड़ में आ जाएगा। ओ भाई, 100% कम्प्लीट हो चुका है और ये बॉस को मैंने अब बहुत ही आसानी से पकड़ भी लिया। अब गैस मैं यहाँ से निकल के आ जाता हूँ दूसरे आइलैंड की तरफ, और यहाँ पर मैंने अपना एक अलग ही पाल को लाया था, इसका नेम था फेंगोग, और इसका जो पावर था ना वो एसिड अटैक कर सकता था किसी भी पाल्स के ऊपर। ऐसे करते करते यहाँ पर सिंडिकेट बेस में हम लोगों ने कब्जा कर लिया और यहाँ का जो पाल था उसको मैं यहाँ पर फ्री करने लगा, और ये साइज से विक्सी था और ये कैट टाइप ऑफ पाल्स है। फिर एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखा एक बहुत ही बड़ा सा पेड़, और ये पेड़ था समुंदर के उस किनारे, तो इसीलिए मैं वैन वार्म से ही आ जाता हूँ इस पेड़ के बहुत ही नज़दीक। मुझे तो लगा था यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पाल्स होंगे, लेकिन इसके नज़दीक जाके मैं आगे और जा ही नहीं सकता, यहाँ पर आके मेरा मैप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं फिर अपने बेस को अपग्रेड करने आ जाता हूँ। अपना बेस लेवल 13 से लेवल 14 तक मैंने अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मेरा बेस जो था काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड लगने लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दूसरा बेस बिल्ड किया जाए। तब मैं आ जाता हूँ ये वाले जगह पर, और यहाँ पर आते मुझे बहुत ही अनोखा एक फ्रूट मिलता है। इस फ्रूट को खाने के बाद मेरे जितने भी पाल्स हैं, अगर मैं इन सारे फ्रूट्स को मैं अपने पाल्स को खिलाऊँगा तो मेरे पाल्स एनहेंस हो जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे ये वाला जगह अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर पहले से कुछ सिंडिकेट थग्स था जिसके साथ मैंने अपना पाल्स का फाइट करवा दिया, और ये वाले जगह को मैंने बहुत ही आसानी से कब्जा कर लिया। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स भी थे, बहुत ही खाली सा जगह था, और आगे पहाड़ भी था, आगे समुंदर भी था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला जगह। तो मैंने यहाँ पर मेरा दूसरा पाल बॉक्स को यहाँ पर बिल्ड कर दिया और ये वाला जगह हो गया मेरा दूसरा बेस। तो ये वाला जगह को मैं तुरंत ही थोड़ा सा करके सेटअप कर देता हूँ। जल्दी जल्दी सेटअप करते करते रात हो जाता है, तो मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे बेस में सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी तक कुछ बिस्तर वगैरह नहीं लगाया था, तो मैं दूसरे बेस में आके सो जाता हूँ। फिर मैं सुबह उठ के जल्दी से जल्दी आ जाता हूँ मेरे दूसरे नए बेस पे, और नए बेस पे कुछ काम मुझे अभी भी करना था। यहाँ पर मुझे कुछ पाल्स को काम में लगाना था। जैसे ही मैंने अपने नए पाल्स को इस बेस में काम में लगाया, तुरंत ही यहाँ पर कुछ पाल्स मेरे बेस के ऊपर अटैक करने आ गए। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रीडिंग फार्म बिल्ड किया, क्योंकि ये मुझे चाहिए था। इसके जरिए मेरे पास जितने भी पाल्स हैं, मेल फीमेल्स पाल्स, उस पाल्स को मैं क्रॉस करवा के एक नए पाल्स को ब्रीड करवा सकता हूँ, और ब्रीडिंग करवा के ही मुझे आगे जाके बहुत ही शक्तिशाली पाल्स मिलने वाला है। फिर मैं दूसरे बेस में आ जाता हूँ ये वाला गन क्राफ्ट करने के लिए। मुझे चाहिए था इनगोट, अभी मेरे पास इनगोट नहीं था, तभी मेरे बेस में एक टूकू टूकू वाले नए पाल्स का अटैक आ जाता है। ये वाला पाल सबसे पहला अटैक कर रहा था मेरे बेस के ऊपर, लेकिन मैं तो यार फुल रेडी था, क्योंकि मुझे पता था लास्ट टाइम मैं इसके साथ फाइट ले रहा था तो ये इस तरीके से आके मेरे बेस के अंदर जैसे ब्लस्ट किया, उसी तरीके से ब्लस्ट किया था और मैं मर गया था। फिलहाल इसने तो मेरे 2-3 पाल्स को मार ही दिए, तो इन सारे पाल्स को मुझे फिर से जिंदा करना पड़ेगा। फिर मैं इनगोट लाकर ये वाले गन को क्राफ्ट करने लगा दिया, ये सारे पाल्स क्राफ्ट कर देंगे। उसके बाद रात हो गया, फिर मैं सो गया। सुबह उठ के मैं ये वाले गन को लेकर आ जाता हूँ किंग पाका के साथ फाइट लेने। ये इस जगह का बॉस था, ये था 23 लेवल का एक पाल, और मैंने अपने पाल्स को इसके आगे छोड़ दिया। आई थिंक फेंगोग काफी आसानी से इसके साथ फाइट ले सकता है। ओ भाई, ये तो इसके ऊपर एसिड अटैक दे रहा है, और मैंने जैसे इसके ऊपर एक गोली चलाया इसका भी काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा इसको। ओ भाई, ये तो मेरे आर्मर को ले रहा है। नहीं यार, इसके दूर से इसके साथ मुझे फाइट लेना पड़ेगा, वरना तो ये मेरे आर्मर को तोड़ ही देगा। लेकिन ये वाला जो गन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिलोड होने में वक्त ले रहा है, तो मुझे काफ़ी आराम से इसके साथ फाइट लेना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो मेरे ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा है, डॉच करके बच गया इस बार। ओ भाई, इसने मेरा आर्मर डैमेज कर दिया। ओ नहीं, मैं तो इसको पकड़ने वाला था, लेकिन गलती से मैं इसको मार ही देता हूँ। मुझे इसको पकड़ना था, आई थिंक मुझे ये कब मिलने वाला है देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मेमोरस मिलता है, लेकिन इसको पकड़ने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये बॉस मेमोरस नहीं था। मुझे अल्फा या फिर बॉस मेमोरस को पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ऊपर एक अंडा मिला, इस अंडे को मैं क्रेट कर लेता हूँ। पता नहीं इतने ऊपर को कौन अंडा देता है, कुछ बड़ा सा ही होगा जो इतने ऊपर का अंडा देता होगा। और यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था,
उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ एक फा वाले जगह में। इसके अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे, फिर मैं पैदल ही चल के इसके अंदर जाता हूँ। मुझे तो डर ही लग रहा था, अंदर कोई बड़ा सा पाल मेरे लिए इंतज़ार ना कर रहा होगा। फिर अंदर आते मुझे यहाँ पर एक बहुत ही मोटा सा आदमी देखा, और इस आदमी से बात करने के बाद मुझे पता लगा ये आदमी पाल्स को ख़रीदता है और बेचता है। फिर मुझे यहाँ पर कुछ पाल्स को पसंद आया, तो मैंने गोल्ड कॉइन से इन सारे पाल्स को ख़रीद लिया। उसके बाद मुझे भूख भी लगा, तो मैं सारे पाल्स टीम को खाना भी खिला दिया और मैं भी खुद खाना भी खा लिया, क्योंकि आगे जाके काफ़ी बड़े बड़े पाल्स के साथ मुझे फाइट लेना था। उसके बाद मैं ये वाले जगह पे दोबारा से आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी बड़े बड़े पाल्स को ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर एक बॉस वाला जगह दिखता है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ बड़ा सा बॉस होगा जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। ओह नो, ये तो एक 28 लेवल का बॉस है। इसके आगे मेरे पास एक 30 लेवल का बहुत ही बड़ा सा पाल था, इसको मैंने छोड़ दिया। उसका नाम था रेंड्रिक्स। वो काफ़ी आसानी से उसको एकदम से फ्रीज कर दिया। ओ भाई, काफ़ी सही अटक दे रहा है मेरा पाल तो उसको ऊपर। इतने में मैं जैसे ही इसको ऊपर फायर करने लगता हूँ, ये भी मेरे पीछे पीछे अटक करने आ जाता है। लेकिन ये तो एक जगह में खड़ा हुआ था, मुझे शुरुआत में लगा नहीं था ये पाल का डैमेज इतना ज़्यादा होने वाला है। इसका हेल्थ उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसका जो डैमेज था ना काफ़ी ज़्यादा था, और ये मेरा हेल्थ लगभग ख़त्म कर ही दिया था। तभी मैं इसको ऊपर एक मेगा स्पर फेंक के देखता हूँ, लेकिन ये कुछ काम में नहीं आया। और इसने मेरा हेल्थ देखो कैसे डैमेज कर दिया। नहीं, इस गीगा स्पर से भी मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पत्थर का कवर लेके थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम बन नहीं रहा है। उसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर एक गीगा स्पर फेंक के मारा। आई थिंक इस बार ये कंप्लीट हो जाएगा। 66%, 99% और ये 100%। फाइनली मैंने इसको भी पकड़ लिया। उसके बाद अब चलते हैं दूसरी जगह पर, और ये वाला जगह में आते ही मैंने तुरंत फर्स्ट ट्रेवल करके बम्बू ग्रॉव्स में आ गया, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम यहाँ पर और एक बॉस को दिखा था। ये वाला बॉस काफ़ी तगड़ा था, इसके साथ मैं फाइट नहीं लिया था लास्ट टाइम, मैं देख के चला गया था। ओ भाई, ये देखने में थोड़ा सा डायनासोर जैसा मुझे लगा। तो इसके आगे मैंने अपना एक छोटा सा फैंगोल्व को छोड़ दिया, और ये मेरा जो फैंगोल्व है उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से एसिड अटैक करने लगा। लेकिन ये जो डायनासोर वाला था ना, ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, और ये मेरे ऊपर पता नहीं ये कौन सी चीज़ से मेरे ऊपर अटैक कर ही रहा था। लेकिन अब तक तो मेरा जो पाल था वो काफ़ी आसानी से इसको डैमेज दे रहा था। ओ भाई, इसने तो एक ही अटैक में मेरा शील्ड पूरा बर्बाद कर दिया। इसका अटैक काफ़ी यूनिक है, मुझे पता नहीं लग रहा है। आई थिंक ये पॉइजन से मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। इसके ऊपर एक गीगा स्पर फेंक के मारता है। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं आसानी से कैच कर लूँगा। ओ हो, 100%। देखते देखते मैं ये वाले बॉस को भी पकड़ लेता हूँ। आज तो पूरे दिन में लगभग मैंने 3 बॉस को पकड़ ही लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेस में, क्योंकि मुझे चाहिए था ये हीट रेजिस्टेंट आर्मर। ये एक मेटल का बना हुआ हीट रेजिस्टेंट आर्मर है जो मुझे गर्मी से बचाने वाला है। तो इसीलिए लास्ट टाइम मैं एक जगह में गया था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, जहाँ से मैं भाग के आ गया था, तो मैं फिर से उसी जगह में आ चुका हूँ। और यहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो इस बार मैं हीट रेजिस्टेंट आर्मर पहन के आया हूँ ताकि मुझे गर्म ना लगे। और यहाँ पर आके देख सकते हो यहाँ का जो पाल्स है छोटे छोटे, वो भी 30 लेवल्स के हैं। ओ भाई, इनके साथ फाइट लेना मुझे सही नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल, तो मैं बड़े बड़े पाल्स को ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे नीचे यहाँ पर कुछ बड़े लेवल्स के सिंडिकेट दिखते हैं, लेकिन इनके लिए तो मेरा पाल्स ही काफ़ी था, बहुत आसानी से इन सारे लोगों को मार ही दिया। तभी मुझे ऊपर उठते हुए और एक पाल दिखा, तो इसके साथ भी मैं फ़ाइट करने लग जाता हूँ। तो तभी मैं इसको पकड़ने वाला ही था, लेकिन बैड लक क्या होता है, मेरा जो पाल था वो उसको मार ही देता है। इस बार मैं अपने पाल को अंदर लेना भूल गया था। तभी मैं यहाँ पर एक लावेबल जगह में आ जाता हूँ। यहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा था, और इसके अंदर भी कुछ पाल्स पता नहीं किस तरीके से चल रहा था। वो देखो, एक पाल चलते हुए आ रहा है। ओ भाई, तो मैं सोच रहा था क्या मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। इसको अंदर जैसे ही गया तो मेरे पूरे बदन में आग ही आग लग गया, और मेरे पाल को भी आग लग गया, तो तुरंत मैं वहाँ से भाग के आ गया। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक यूनिवोल्ट दिख जाता है, 31 लेवल का। ये एक बॉस यूनिवोल्ट है, तो मैं इसको पकड़ने में व्यस्त हो जाता हूँ, क्योंकि ये यूनिवोल्ट को मैं पकड़ लूँगा तो इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो बड़े बड़े पाल्स के साथ ये यूनिवोल्ट बहुत ही आसानी से फाइट कर सकता है। तो इसको मैं तुरंत ही पकड़ने में लग जाता हूँ। मेरा जो फैंगोल्व था भी काफ़ी आसानी से इसके साथ फाइट ले रहा था, लेकिन यूनिवोल्ट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे ऊपर अटैक दे रहा था बिजली से, और मुझे तो कभी कभी फ्रीज कर दे रहा था। फैंगोल्व ने तो इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। अब मुझे इसको ऊपर स्पेयर फेंक के पकड़ना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा गीगा स्पेयर नहीं है, 18 गीगा स्पेयर है। इसके साथ मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, वरना तो आज रात हो चुका है।
वरना कल आना पड़ेगा इसको पकड़ने। पहले तो कोशिश करके देखते क्या होता है। 20% आई थिंक ये आ जाएगा। थोड़ा सा और इसका हेल्थ मुझे डाउन करना पड़ेगा, इस बार आ जाए। ऐसे करते करते थोड़ा सा इसका हेल्थ मेरे पाल ने डाउन कर दिया, तो मैंने अपने पाल को अंदर बुला लिया और इसके ऊपर मेगा स्क्वायर फेंकते गया। अभी तक तो मैंने इसके ऊपर 4-5 मेगा स्क्वायर फेंक ही दिया था। फाइनली वो पकड़ में आ चुका था। कल रात को यूनिवोल्ट को पकड़ते काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था, तो इस बार मैं दोबारा से आ जाता हूँ और बॉस के साथ फाइट करने इस वाले गुफा के अंदर। और यहाँ के अंदर आते ही मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर डे ड्रीम दिखता है दो, और इन दोनों को ही मैं पकड़ने लगता हूँ। लेकिन इनके आगे जो मेरा पाल था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इनको बहुत ही आसानी से एक पाल को तो उन्होंने मार ही दिया। फिर एक पाल को मैंने जैसे तैसे करके पकड़ ही लिया। उसके बाद जैसे ही मैं इस गुफे के अंदर जाता हूँ, अंदर जाते जाते मुझे दिख जाता है इस गुफे का बॉस को। और ये तो दिखने में एक कौवे जैसा पाल था, 19 लेवल का पाल था, और इस पाल के 2-3 बच्चे भी थे जिनको मैं बहुत ही आसानी से पकड़ लेता हूँ। लेकिन ये जो बड़ा वाला पाल था ये तो पकड़ में आ ही नहीं रहा था। उनमें से एक पाल को तो मेरे पाल ने मार ही दिया। उसके बाद इसको ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे पाल एसिड अटैक दे रहा था, लेकिन इसको ऊपर गीगा स्पेयर काफ़ी सारा फेंक के मारा जिससे कुछ काम में नहीं बना। फिर इस पाल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा शक्ति था जो मैंने देखा। ये इनविजिबल हो सकता था काफ़ी देर तक अगर मैं इसको पकड़ लूँगा तो, जिसके जरिए मैं आगे जाके काफ़ी बड़े बड़े पाल्स को आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये देखो कैसी है, इनविजिबल होकर मेरे पास आया और मुझे अटैक करके चला गया। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक गीगा स्पेयर फेंक के मारा था जिसकी वजह से मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ। फिलहाल उसको पकड़ने के बाद और एक बॉस के साथ मैं फाइट करने यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे सारे बॉस के साथ फाइट करना था आज ही, क्योंकि इन सारे पास के साथ मैं फाइट करवाने आ रहा हूँ आगे वाले लीजेंडरी पास के साथ। उन लीजेंडरी पास को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए पहले तो मैं सारे बॉस को हराना चाहता हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो पाल था रेप्टायरो उसको मैं छोड़ देता हूँ इसके आगे। इसका नेम था रिलक्सारुस लक्स, इसका लेवल था 31, और ये तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे ऊपर फायर वाला अटैक दे रहा था। और आगे से मेरा जो पाल था रेप्टायरो वो उसको ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा था। ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था, तो मैंने इसका हेल्थ काफ़ी लो कर दिया, लगभग आधा ही कर दिया था। वो देखो मेरा जो पाल था वो उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारा, तब मैंने यहाँ पर उस पाल को हटा लिया और इसके आगे मेमोरेस्ट को छोड़ दिया। मैं देखना चाह रहा था कैसे मेमोरेस्ट इसके ऊपर अटैक दे रहा है। ओ भाई, ये तो बिजली का झटका दे रहा है मुझे। और मेमोरेस्ट काफ़ी आसानी से उसका हेल्थ एकदम से लो कर दिया। अभी उसका हेल्थ लगभग 570 है और ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अरे भाई, तू मेरे पाल को मार ना, कितना बड़ा पाल है मेरा, उसको मार। लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। मेमोरिस्ट एकदम से इसके ऊपर विंड से अटैक देता है और उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। तब मैं इसके ऊपर तुरंत ही एक गीगा स्पेयर फेंक के मारता हूँ। आई थिंक ये कम्प्लीट हो जाएगा 60%, और इसी के साथ ये पाल को भी मैं पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस बर्फीले आइलैंड में फ्री पाल एलायंस टावर पर। यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो मुझे दिखता है ये वाला पाल, इसके साथ मैं फाइट लगा देता हूँ मेरा रेप्टायरो का। मुझे मन नहीं था इसको पकड़ने का, लेकिन ये मेरे पाल के साथ फाइट लगा देता है, तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें इसको लगे हाथ पकड़ लिया जाए। और देखते देखते रेप्टायरो भी इसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है। मेरे पास वैसे ये पाल पहले से 2 था और अभी शायद से ये कैच में आ जाएगा। 66% हो चुका है और इसी के साथ 3 पाल को मैंने पकड़ लिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ का जो बॉस था उसके साथ फाइट लेने। पहले मैंने 2-3 बॉस के साथ फाइट लिया था जिसका साथ फाइट काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन यहाँ का जो पाल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लेवल का पाल मुझे मिल रहा था। मुझे लगा था यहाँ का जो बॉस होगा वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। जैसे ही मैं अंदर को आया, इसका जो हेल्थ लेवल था वो था 69,000। ये देख के मैं सबसे पहले तो चौंक गया, इसीलिए मैंने इसके आगे सबसे ज़्यादा मेरा जो पावरफुल पाल था फैंगोल्फ उसको छोड़ दिया एंड देखने लगा कैसे फैंगोल्फ इसको डैमेज देता है। और फैंगोल्फ काफ़ी आसानी से इसको मार रहा था, मैं भी इसको बंदूक से मार रहा था। लेकिन दिक्कत की बात ये था, मुझे इसको मारना था 10 मिनट के अंदर, और गेम स्टार्ट होते ही इसके पास जो पावर है वो सारे बड़े बड़े पाल्स का पावर है। जैसे कि मेमोरिस्ट का पावर इस पाल के अंदर है और फैंगोल्फ का भी पावर इस पाल के अंदर है। ये आग से भी फायर कर सकता है, ये विंड से भी अटैक कर सकता है, और ये पानी से भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए मैंने इसके आगे रेप्टायरो को छोड़ दिया एंड मुझे लगा रेप्टायरो इसको अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। पहले तो मैंने इसके आगे फैंगोल्फ को छोड़ा था, लेकिन ये फैंगोल्फ को जैसा ही पानी से अटैक कर सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा रेप्टायरो इसको अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। तो रेप्टायरो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डैमेज भी दे रहा था। फिर मैंने इसके आगे रेंडिस को छोड़ा और ये देखो, ये तो यार पानी की बबल से मुझे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। और ये अगर रेंडिक्स तो इसको पूरा फ्रीज कर दिया,
लेकिन रेंडिक्स के पास कैसा एबिलिटी है मैं ये देखना चाह रहा था। रेंडिक्स का बड़े बड़े पाल्स के आगे फाइट ले सकता है, ये चीज को देखते हुए रेंडिक्स कुछ अच्छा खासा इसको डैमेज नहीं दे पा रहा था, तो मैंने दोबारा इसके आगे रेप्टायरो को वापस छोड़ दिया। एंड देखा रेप्टायरो तो भाई काफी बढ़िया तरीके से इसको अटैक कर रहा था। उसके बाद मेरे पास और एक पाल था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पाल को छोड़ा जाए, तो फिर मैं उसी पाल को छोड़ दिया एंड देखने लगा क्या ये इसके साथ फाइट ले सकता है। फिलहाल ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ऊपर डैमेज दे रहा है, 35 अभी तक हम लोगों ने इसका जो हेल्थ था वो आधा कर दिया था, अभी बस 4 मिनट बचा हुआ था। और ये क्या, इसने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ओ नो यार, इसको छोड़ के मैंने शायद से यहाँ पर गलती कर दिया और इस पाल ने तो मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। अब ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, अगर मैं अपना हेल्थ रिकवर नहीं करूँगा तो शायद से ये बॉस मुझे मार दे। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर मेमोरिस्ट को छोड़ा क्योंकि मैं देखना चाह रहा था मेमोरिस्ट के पास भी विंड का पावर है, अगर मेमोरिस्ट को थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है तो मेरे लिए फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन मेमोरिस्ट तो एक ही जगह में खड़े खड़े इसके साथ फाइट ले रहा था और इसी के साथ मेरा आर्मर भी डैमेज हो गया था। और ये क्या हुआ, नहीं यार इसको तो मुझे मारना था, और थोड़ा सा ही अच्छे से खेलता तो मार ही देता। उसके बाद उस बॉस के साथ फाइट लेने के लिए मैं और भी शक्तिशाली पाल को पकड़ने आ गया इस डेजर्ट आइलैंड पे। और यहाँ पर आती सोते हुआ मुझे एक पाल दिखा, इसका नाम था सुजाकू, तो इसके साथ मैं सोचा क्यों ना रेप्टाइलों का फाइट लिया जाए, मुझे लगता है इसको मैं आराम से पकड़ सकता हूँ। मेरे पास गिगा स्पायर भी है 25, तो इसका लेवल था 41, तो मैं यहाँ पर इस पाल के साथ मेरा पास जो रेप्टाइलो था उसका फाइट स्टार्ट करा देता हूँ। और ये का इसके पास तो विंड का पावर भी है और ये छोड़ रहा है आग वाला विंड, ओ भाई, और ये काफी दूर से मुझे भी डैमेज दे रहा है। रेप्टायरो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसके साथ फाइट ले रहा है, काफी देर तक इसके साथ फाइट लेते लेते रेप्टायरो तो इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर गया था, बीच बीच में ये तो चक्कर काट के जमीन में गिर ही जा रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना इसके पास जाके इसके ऊपर मैं पाइल्सवर फेंक के इसको पकड़े लूँ। उसके बाद मैंने देखा मेरा पाल टीम भी हंगरी हो गया था, तो मैंने अपने पाल टीम को वापस बुला लिया और दोबारा से छोड़ दिया इसके पास में ताकि ये मेरे ऊपर अटैक न कर दे। ऊपर से मैं रेप्टायरो को कमेंट दे देता हूँ एग्रेसिव अटैक के लिए, फिर मैं इसके ऊपर गिगा स्पायर छोड़ने लगता हूँ। लेकिन ये तो पकड़ में नहीं आ रहा था, शायद से इसको पकड़ने के लिए मुझे हाइपर स्पायर चाहिए और अभी तक मेरे पास हाइपर स्पायर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको पकड़ने के लिए कोशिश करता हूँ गिगा स्पायर से ही। मुझे डर लग रहा था कहीं रेप्टायरो इसको मार ना दे, नहीं यार इससे तो मैं इसको पकड़ नहीं सकता मुझे ऐसा लग रहा है। 5% हो रहा है, उसके बाद ये निकल जा रहा है। और ये यहाँ पर तो दो दो सुजाकू आ चुका है, फिलहाल मैं यहाँ से भाग जाता हूँ वरना ये दो दो सुजाकू अगर मेरे पीछे पड़ गया तो बेकार, मैं इन दोनों को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने देखा एक सुजाकू का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो मैं इसको पकड़ने की फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ये सुजाकू मर ही जाता है, मैं इसको पकड़ नहीं पाता हूँ। फिर दूसरा सुजाकू था उसके साथ मेरा रेप्टायरो का फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर यूनिवोल्ट को छोड़ के देखा जाए। यूनिवोल्ट भी काफ़ी आसानी से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वाला वेव फेंक रहा था और उसको एकदम से फ्रीज कर दे रहा था काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन यूनिवोल्ट उसका आगे टिक नहीं पा रहा क्योंकि वो फायर वाला अटैक दे रहा है और यूनिवोल्ट फायर थोड़ा सा सहन नहीं कर सकता मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैं उसके आगे फैंगोल्व को छोड़ा, फैंगोल्व का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा था। ओ भाई ये तो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा खासा अटैक दे रहा है और फैंगोल्व ने भी उसको काफ़ी डाउन कर दिया। अब बारी था इसको पकड़ना, लेकिन गिगा स्पायर से ये पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन फैंगोल्व उसके ऊपर ऐसे ही अटैक कर देता है वो मर ही जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये वाला पाल दिखता है 32 लेवल का, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको ही पकड़ा जाए। और ये का मैं तो इसको पर अटैक कर ही नहीं रहा था, लेकिन वो ही हमारे ऊपर अटैक करने आ जाता है। ओ भाई ये तो एसिड अटैक भी कर सकता है, इसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया था और मेरे फैंगोल ने भी उसके ऊपर एसिड अटैक किया। ओहो इसका हेल्थ देखो गाइस, इसका हेल्थ एक ही पल में मेरे फैंगोल ने काफ़ी लो कर दिया है। आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा 31, 62, नहीं यार ये भी पकड़ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इन बड़े लेवल के पाल्स को मैं गीगा स्पेयर से नहीं पकड़ सकता क्योंकि और एक स्पेयर था वो बड़ा स्पेयर था। देखो इसको लगभग मैंने 60% पकड़ ही लिया था लेकिन 100% नहीं हुआ और इसने तो मार ही दिया इसको भी। उसको पकड़ने के लिए ग्रेड वाला स्पेयर चाहिए, वो उसको मैंने अभी तक ज़्यादा क्राफ्ट नहीं किया था। और एक बार यहाँ पर 45 लेवल का मुझे यहाँ पर सुजाकू दिख जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना और एक बार चांस लिया जाए इसको पकड़ने का। और ये एक बॉस था सुजाकू, तो मैं सोचता हूँ इसके साथ दोबारा से फाइट लेते हैं, तो मैंने इसके साथ मेरा रेप्टायरो का फाइट स्टार्ट करा दिया क्योंकि लास्ट टाइम रेप्टायरो इसको काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था और इसका हेल्थ भी था 4000। ये देखो इसने तो पत्थर में मारा लेकिन मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगा और ये भी मेरे ऊपर अटैक दे रहा था, मैं पत्थर का कवर लेके बस बच जा रहा था इससे। उसके बाद मैंने इसके सामने फैंगोल्व को छोड़ा, फैंगोल्व इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से एसिड अटैक दे रहा है और ये तो पत्थर के सामने सामने ही घूम रहा है।
और पत्थर के पीछे ये मेरे ऊपर अटैक दे ही नहीं पा रहा है। इसके साथ अटैक करते करते हमारा रात हो चुका है और अभी भी मैं इसका हेल्थ पूरा लो नहीं कर पाया। अभी भी इसका 1600 हेल्थ बचा हुआ है। फिर से सुबह हो चुका है, इसका हेल्थ लो नहीं हो पाया है, अभी भी 1000 हेल्थ बचा हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने पाल टीम को खाना खिला दिया और मेरे पास ज़्यादा बेरीज भी नहीं बचा हुआ है। इसके साथ फाइट लेते लेते रेप्टायरों का हेल्थ आधा हो गया, लेकिन अभी भी इसका हेल्थ कम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसका डिफेंस पावर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और मैं तो पत्थर के कवर में ही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसके सामने जाना। अगर मैं इसके सामने जाऊँगा शायद से एक ही अटैक में ये मेरा पूरा आर्मर को खा लेगा। ओ नो, नहीं यार, इसने तो कवर में भी डैमेज दे दिया मुझे। मेगा स्पर फेंके, देखते मेरे पास अभी बस 7 ही मेगा स्पर बचा हुआ है। मैं दोबारा से इसके आगे फैंगल को छोड़ता हूँ। फैंगल का अटैक सुजाकु के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। ये देखो, फैंगल अटैक इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सुजाकु। और ये स्पेयर भी काम नहीं कर रहा है इसके आगे, तो मेरे पास स्पेयर भी ख़त्म हो चुका था। मेरे पास नॉर्मल स्पेयर पड़ा हुआ था और अल्टीमेटली इसको मार ही देता है मेरा फैंगल। मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था इस पाल को पकड़ना। अगर ये मेरे टीम में आ जाता तो मैं आसानी से पिछले वाले बॉस के साथ फाइट ले पाता। उसके बाद घूमते घूमते मैं ये वाले जगह पे आ जाता हूँ। फिर मैंने ये वाले जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। यहाँ पर एक आदमी था, उससे मैंने बात किया। यहाँ पर एक मर्चेंट भी था, उससे मैंने बात किया। रात के टाइम में ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आके हम लोग शेल्टर ले सकता है। उसके बाद आगे एक फेस्टिवल था, तो मैं आ जाता हूँ ये वाले जगह पे। और ये वाला जगह इस पूरे मैप का आई थिंक टॉप वाला जगह था। इतने ऊंचाई में और कोई सा भी जगह नहीं था। तो यहाँ पर मुझे एक अंडा मिला, उसको मैंने ले लिया। और बगल में मुझे दिखा एक बहुत ही बड़ा सा टावर। तो यहाँ पर भी एक बॉस था, तो मैं देखने चला गया इस बॉस के साथ फाइट कैसा होता है। अंदर जाते मैंने देखा एक डायनासोर जैसा पल। मुझे लगा था इसके साथ फाइट काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन ये क्या, इसका तो हेल्थ 2 लाख है, जो काफ़ी ज़्यादा है भाई। इसको मैं पकड़ नहीं पाऊँगा। और इसने तो एक ही झटके में मेरे रेप्टाइलों को एक ही अटैक में मार ही दिया। तो मैं यहाँ से भागने लगा, जैसे ही मैं सोचा यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा, ये मेरे ऊपर एक ही अटैक देता है और एक ही अटैक में मुझे मार देता है। तो इसके साथ फाइट लेना तो इम्पॉसिबल था। मैं आ गया अपने बेस पे आते ही कुछ पाल्स मेरे बेस के ऊपर अटैक करने लगे। तो मैं सोचा इन सारे बॉसेस के साथ फाइट करने के लिए मुझे और भी बड़े बड़े पाल्स को पकड़ना है, तो मैं उसी की तैयारी में लग जाता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या मैं इन सारे लेजेंडरी पाल्स को हरा पाया, उनके साथ मैंने फाइट लिया था तो फाइट कैसा गया आप लोग देखने वाले हो। और इन सारे बॉसेस के साथ भी मैंने फाइट लिया था, वो फाइट कैसा गया आप सारे देखने वाले हो। और अब तक तो था मेरा 70th day ये वाला, तो कैसा लगा गेम प्ले मुझे ज़रूर से बताना कमेंट पर। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब बटन को ठोक देना, क्योंकि हम लोग 100K बहुत ही जल्दी क्रॉस करने वाला है। सो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एवरीवन।